तो समझ नहीं आता मेरे की इस घर का किराया नहीं दे रहे मेरे को और मेरे को परेशान भी किया भाई इन लोगों ने। कौन है आप? एक दफा फिर बोलना क्या बोल रही हो? अरे कौन है आप? बहुत अच्छे हमें बोल रही हो कौन है आप बताओ आप कौन हो इस घर में क्या कर रही हो? मैं तो घर की नौकरानी हूँ। आप कौन है? क्या हो इस घर की नौकरानी हूँ। नौकरानी? बहुत अच्छे तुमको नौकरानी किसने रखा? इस घर के मालिक मकानों ने। घर के मालिक मकानों ने? हाँ घर में चार चार मालिक मकान है। अरे वो मालिक मकान नहीं है, मालिक मकान मैं हूँ। वो तालो मेरे किराएदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात सुनो, तुमको तनख्वाह पूरी देते? हाँ चारों मिलकर पूरी देते। बहुत अच्छे भाई, हम तो किराया नहीं मिल रहा थे महीने का, इसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक मेरी बात सुनो भाई, मेरे को किराया चाहिए छह महीने का। छह महीने का किराया? छह महीने का किराया नहीं दिया तारों ने मेरे को। मुझे तो नहीं मालूम, अभी घर में कोई नहीं है। अभी घर में कोई नहीं है? नहीं। उन चारों को बता देना मालिक मकान आया था, किराया चाहिए मुझे। मैं बता दूंगी जब वो आएंगे तो। बता दूंगी मैं जब वो आएंगे तो। और एक बात और सुन लो, अब के किराया नहीं दिया ना तो मकान खाली करना पड़ेगा उनको। हाँ ये बता देना उनको, डाला हूँ मैं। एक बात सुनो, तुम तो इसी घर में हो ना? हाँ। मेरा आना जाना लगा रहेगा, समझ गए ना? चलो ठीक है। फोन की घंटी बज गई। हेलो। हेलो जी, कौन? जी मैं रक्षी बात कर रही हूँ। जी किससे बात करनी है? काशिफ है जी। नहीं वो साहब तो घर पे नहीं है। ठीक है फिर आप ऐसा कीजिएगा वो आ जाए तो आप प्लीज उन्हें बता दीजिएगा। ओके। ओहो फिर फोन बज गया। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो जी कौन आप? जी मैं सवेरा बात कर रही हूँ, आसिफ है। जी वो घर में तो है मगर जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकती। कहाँ है? वो गुसलखाने में नहा रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है मैं बाद में फोन करूँगी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि सवेरा ने फोन किया था। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। जी रहे सुबह हुई नहीं और दोनों साहब के फोन आ गए, एक मेरे लिए ही कोई फोन नहीं आता। लगता है ये घंटी मेरे लिए ही बजी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 13 तारीख को अपने बच्चों को पोलियो की कतरे जरूर पिलवाइएगा। क्या जा तेरा बिड़ा कर रखो, फोन आया भी तो किसका आया, पोलियो के कतरे पिलाने वालों का? चंदा जी साजी। अरे कहाँ है चंदा? अरे कहाँ रह गई चंदा? अरे चंदा कुछ तू ही बता, मेरा अफसाना बेताब है दिल क्यों दीवाना, कुछ तू ही बताना। साकी चा पानी घर में है? काशिफ वो भी नहीं है। इसका मतलब घर में तुम अकेली हो? जी साकी। लड़की अकेली और मैं भी अकेला, आज ना तुझे कोई रोकने वाला है ना मुझे कोई टोकने वाला। क्या साथी? अबे डर तो सही, तुझे कोई रिएक्शन नहीं है, माशाल्लाह। छोड़ इन बातों को, मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था मगर तेरी तरफ से भरपूर रिस्पांस नहीं आया, मैंने अपनी एक्टिंग खत्म कर दी। तू ये बता चाय तैयार है? जी साथी तैयार है। अच्छा वाकम किसी का फोन तो नहीं आया? हाँ साथी सवेरा अरबी का फोन आया था। अच्छा सवेरा का फोन आया था जी। क्या कह रही थी? पूछ रही थी आपका। अच्छा मेरा पूछ रही थी? क्या बोला? क्या पूछ रहे थे? आसिफ साहब कहाँ है? मैंने कह दिया गुसलखाने में नहा रहे हैं। तो वहाँ आके बता देती? अब थोड़ा दफा कर। अच्छा ये सवेरा का तूने देखा नहीं अभी? अपनी टीवी ने कहती है ऐसी आफत है। मैं नहीं कहता, मोहल्ले वाले कहते हैं। कहते भाई क्या बात है यार, सवेरा है बड़ी खूबसूरत। वैसे साहब जी एक बात कहूँ, औरत को तो कुदरत ने बनाया ही खूबसूरत है। तो मर्दों को क्या मलिर नदी की पजरी से बनाया है? चीजें निकल गई उन मर्दों की जिनको मलिर नदी से बनाया है। और तू ये बात कर रही है, अल्लाह का शुक्र है मर्द ही हसीन है, औरत क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है आजकल की औरत जब बनी ना तो उसमें कितनी चीजें डालनी पड़ी है, चीते से लिए चालाकी, लोमड़ी से होशियारी, सांप से डसना लिया, तब जाके आजकल की औरत तैयार हुई है।
आसानी से नहीं बना। तो कैसे बना? क्या कीचड़ की मिट्टी से बना? जी नहीं, उसके लिए बेवफाई ली, उल्लुओं की तरह रात में जागना लिया, गिरगिट की तरह रंग बदलना लिया, और तो और शैतान की शैतानियत मिलाई, जब जाकर कहीं आज का मर्द बना है। दबाकर मर्दों की बातें मुझसे क्यों कर रही है तू? मेरा मतलब ये कि छोड़ दबाकर, ये तो दोनों ही इस तरह के होते हैं, मर्द और औरत। तू अपनी बात कर। चाय तैयार है? जी साहब जी तैयार है। फिर बना के पिला दे एक प्याली अपने हाथों की। जाती हूँ मैं। टाइम पास तो होता है हमारा, बेड़ा भरा को इन लोगों का समझ में नहीं आती कहाँ चले गए जापानी और काशिफ। आशिफ, 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 आशिफ। मुझे क्या पता इतने बड़े ट्रालर से टकराऊंगा मैं। बेटा इंडिकेटर देके मिला करो ना। खामोश गाय का खामोश। तेरे बाप की मैयत हो गई, आईसीयू में खड़े हुए यहाँ पे। अबे यार तू यूं ना करा कर बे। यार रक्षी आई, रक्षी निकल जा, तू निकल जा। रक्षी आई है, तुझे खारिश आई? मैं कह रहा हूँ तू निकल दे, बंद निकल दे। मैं नहीं निकलूंगा, रक्षी आई है, रिक्शा आया, मैं निकलूँ यहाँ से। देख यार तू हमारे टाइम पे चिरान निकल यार, हमारा पीस आए देख, समझा करना, तेरी भाभी है वो। मैं तो भाभी है ना। हा? तेरी तो ज़हनियत ही गंदी है। हा? जब मेरे को कह रहा है मेरी भाभी है, भाभी माँ की जगह होती है और हमारा अब्बू जिंदा है, तू काहे की टेंशन ले रही है? ये तो तेरी भाभी है, लेकिन मुझे तेरे करेक्टर का भी पता है कि तू अंदर से कैसा कमीना। निकल ले, निकल ले। ये बातें ना कर, ये दिल जलाने वाली बात ना कर, तुझे भाइयों की तरह समझता हूँ मैं, समझे? तुझे अपने अपने सामान पे भरोसा नहीं है, बुला ले। अबे तू तू जाना देख, कोई घटिया बन ना जा, हम चले जाए। और जब मेरी वाली आती है सवेरा, तब तक तू घंटों घंटों खड़ा रहता, हम तो मना नहीं करते। जा। अबे तो तेरी वाली को तो बड़ा शौक है मर्दों में आने का, हमारी वाली कोई बेशरम थोड़ी है। ये क्या बात की यार, बेशरम नहीं है, दोस्तों में शरम है या नहीं होनी चाहिए यार। कल को तू काम पे जाएगा, घर में वो अकेली होंगी, मैं आऊंगा, कहूंगा भाभी चाय पिला दो, चाय पिलाएंगे, मस्ती मजा करेंगे हम लोग, भाभी देवर का रिश्ता ही ऐसा होगा, तुम्हारी तो ज़हनियत ही गंदी है। तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ये तेरा आखिरी फैसला? आखिरी, बिल्कुल समझ ले, सूली पे चढ़ाऊ, आखिरी फैसला मेरा। ठीक है फिर, मैं ही बकरा बन जाता हूँ। की जरूरत है? लेकिन देख मैं बुला रहा हूँ, कोई घटियापन मत करियो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। क्या क्या क्या? कोई घटियापन मत करियो। आने लग, थोड़ी देर के लिए तो खेलने देता ना, पकोड़े बनाने दे, लगी ना। हाँ तो सीनियर है ना, क्या करे। बुलाता हूँ रक्षी, रक्षी। मैं बाल बना लूंगा। खराब कर दो। अच्छा ना, घर कितना अच्छा है। रक्षी को मैंने देखा है, माशाल्लाह यार। रक्षी, 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 भाभी रक्षी। अगर ना तो लिया, अगर खुदा के बंदे दिमाग खराब हो गया। नहीं, पुराना बैल कट्टा, कट्टा ऑस्ट्रेलियन कट्टा। हाँ कट्टा, हर वक्त नजर यूं रखता है। अपना रक्षी, आप 6 रुपए वाले काजल की डब्बी पे आपकी फोटो है, चले से कर्लिंग वाले बाल है। मैं बताता हूँ। आशिफ, ये tell me what happened. You don't know your happiness is not 7 hours. मेरे से इंग्लिश बोले, इसको आप समझा दे, मैं भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज के आगे से गुजरा हूँ। देख ले, फिर हम भी चिरान करेंगे, तेरा पीस आएगा तो मैं बता रहा हूँ। मैं भले करियो, मेरा पीस है, मैं पागल का बच्चा हूँ, यहाँ लाऊंगा, मैं पार्क में ले जाऊंगा, पार्क में ले जाऊंगा। मैं बताता हूँ, ये मेरा दोस्त है आसिफ, इसकी अम्मी घर से भागी। मेरी अम्मी ने असल में वो ओलंपिक की रेस हो रही थी ना, उसमें अम्मी भागी थी। हाँ तो फिर अम्मी समझे कि राउंड खत्म हो गया, अम्मी बोले अभी तो पता नहीं क्या है, मैं तो आगे तक भक्ति चली गई, अभी तो वापस नहीं आई। बारा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो किस्सा भी कर ले, मैं जाऊंगा नहीं भाई। इस बेचारे को कैंसर है। इंसान का बच्चा बन हुए तो? मैंने तेरे एक्सरे नहीं देखा था, तेरे पेट में जो है वो पाँव का पंजा बना हुआ है। ये तो क्या कह रहे हो, पेट में पाँव का पंजा? माय गॉड, कोई एक बीमारी हो तो मैं बताऊं। एक्सक्यूज मी, आप समझी नहीं है, पाँव का नहीं था, हाथ का पंजा था।
गया था तो पंजा आ गया था। बीमारी हो देख बीमारी नहीं छुपाते, कोई एक बीमारी हो तो मैं बताऊ, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो, खसरा, सब बीमारियों से मिलकर बना है ये शरीर इसका। नहीं नहीं मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मैंने तो लीट भी नहीं ली थी इससे। ये तू गलत कर रिया, ज्यादती कर रिया, मेरे को कोई तो बीमारी ऐसी बता दे जिसमें शफा हो। कोई ऐसी नहीं है, मुझे सारी बीमारियां, इसको एक ही बीमारी है, स्वाइन फ्लू। ओह नो, ओह यस, माय गॉड, मैं किधर फंस गई काशिप? हां हां, सिर्फ तुम सिर्फ मुझसे ही फंसी रही हो, मुझसे ही फंसी रही है ना, तू बोलेगा तो जामा हूं तुम, मुझसे ही फंसी रही है जा। माशाल्लाह, तक कोई लड़की है पतली दुबली, माशाल्लाह इतनी पतली दुबली, मेरा दोस्त है ये, अब किसी काबिल नहीं रहा ये बोलिया। एक्सक्यूज मी, आप कह रहे हैं चाय के साथ बिस्कुट लाऊं? हाँ हाँ, और पेस्ट्री? हाँ, वेरी गुड। अंदर तो मैंने दुकान खोली हुई है ना, वाली चाय आएगी एक प्याली, और तेरे लिए प्याली में पर्ची आएगी, ये चाय पी दे। दोस्त है, बड़ा ठीक है, हम लोग साथ रहते हैं ना, इसलिए बहुत मजाक करता है। वैसे काशिप, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। तुम सुनाओ ना मेरी 32 दांतों की बच्चिया कैसी हो तुम? ये वही है जो बादाम पिस्ता खा रही है चरपाई में बैठी हुई कालीन पे? नहीं भैया, वो तो ऊंची सी है। वो तो तेरी तरह तगड़ी है। हाँ, जिसकी आवाज भी बड़ी अच्छी निकलती है। कैसे? अभी भी देख लो, इंसान जानवर में बहुत फर्क है। अबे चला जा मस्त रीच, चला जा। माफ करे, चाय बनानी है? चाय 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 चाय। देखो काशिप, तुमने मेरी इंसल्ट की है बच्चिया कहकर। मैं तो तुम्हें बकरी कहने वाला था, ये तो बच्चिया मुंह से निकल गया। तुमने अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल इतने बुरे बकरे की तरह है। क्या बात कर रही हैं आप, मुझे बकरा बोल रही हो? एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता हूँ? बिल्कुल बकरे जैसे। तुम ऐसा करो, इस दफा कुर्बान तुम ही हो जाओ। मैं क्यों कुर्बान हो जाऊँ? कुर्बानी तो जायज लोगों की होती है ना, जायज। जो क्या तुम नाजायज हो? नहीं जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो जानवर मतलब जो जाहिर होता ना, जो मतलब हलाल के काबिल होता है उसको हलाल किया जाता है, मैं इंसान हूँ। थैंक गॉड, मैं डर गई थी कि पता नहीं नाजायज। मैं भी डर गया था। मुझे अच्छा एक बात बताओ ना, मैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता हूँ? बंद कर, अजीब लोग हैं यार, खुदा की कसम यार। क्या हो गया? अबे एक लड़की को छेड़ दिया बुरा मान गए? भाई तुम्हारी लड़की खिड़की में खड़ी क्यों होती है? अबे तो वो उसका घर है, खिड़की में खड़ी होगी। अबे तो खिड़की में खड़ी होगी तो लड़के छेड़ेंगे? क्यों छेड़ेंगे भाई लड़के? अबे जब लड़के नहीं छेड़ेगा तो लड़कियां समझती कि हम लोग इस काबिल ही नहीं है यार। खामा खाली बातें करती है लड़कियां। कौन है ये? कौन है ये? रक्षी, तू लाया? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लड़की, हमारे घर में खुद बमबार पीस आ गया है। कोई भाषा हाजा नहीं है। अरे ओ तेरी होने वाली भाभी है ये, खुदा की कसम मैं भी यही बोलने वाला था। ओ काहे की? जी जी लूसन क्या ये बकरा है क्या? लूसन क्या बकरा नहीं बोला मुझे? खुदा ने मेरे बकरी देखेगा आप मेरे बारे में। कौन है आप? मैं जापानी, बाप पाकिस्तानी, माँ हिंदुस्तानी, बस यूं समझ लो तीन मुल्कों की मुश्तर का पेशकश। तो आपकी अपनी क्या पहचान? बस मैं पहचान है ना, आप कौन है? ये रक्षी हो, अमरीन हो, समरीन हो, शादी करनी तो हाँ करो वरना भाई बोल के आगे बढ़ो।
क्या क्या कह रहा है? एक मिनट काशिप, इनको तो जवाब मैं देती हूँ। जी जी, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो क्यों, मेरे में क्या खराबी है? मेरे में क्या लहरें आती हैं? तुम जैसे लोग जो है ना, दरख्त के नीचे पड़े सोते रहते हैं, और तुम जैसी लड़कियाँ हम जैसे लड़कों का माल खाती रहती हैं। अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? लड़कियों के पीछे पड़ जाने वाले लोग। अरे तो तुम भी दफा हो जाओ, लड़कियों के पर्स पे नजर रखने वाली कौम। सुन, हट जा, मर्दों की बात हो रही है, हट जा। सीधा खबरदार, देख अगर कोई चिरान की तो मैं बता रहा हूँ, फिर तेरा पीस आएगा ना, हम भी चिरान करेंगे। ये मतलब क्या है? तेरे दिल का चैन है? ये मेरे दिल का चैन है। बस ठीक है, आज से ये मेरी बहन है। हाँ, खत्म, मामला साफ, खत्म। ये मेरा दोस्त है। वैसे कैसी हैं आप? ऐसे ऐसे। अच्छा, क्या हो गया? आप इसे शादी कर रही है? आपको आपकी माँ की बदवा है, इनको इनकी माँ की बदवा है। क्या? इनकी माँ ने बदवा दियो कि जा बेटी, तेरी शादी जानवर से होगी। मैं बता रहा हूँ, सीन मार मार के गिरा दूंगा मैं। कोई चिरान नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है हम बाहर चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के। तो बता, तू बेदा हुआ है किसी ने चिकन खा के खींच दी है? मैं यही दबा दूंगा तेरे को। ओके, चले। मुझे पहले बता, ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ? तारुफ करवा, मेरा तारुफ, इन प्रोटेक्शन प्लीज। ये मेरा दोस्त है, जापानी। अच्छा, अब ये घर तो तुम्हारे ही नाम है ना? आपको देख के बड़ा खूबसूरत शेर अर्थ क्या है? आप इसे शादी करना चाहती है ना? एक शेर अर्थ क्या है कि गुलशन में फूल हैं वो तो खिलेंगे, गुलशन में फूल हैं वो तो खिलेंगे, आप इससे शादी कर लो, हम तीनों मिलके रहेंगे। नहीं नहीं, इसकी शायरी को मत जाना, क्योंकि ये ना शायर है और ना शायर का भतीजा। चले चले बाहर चले, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आओ शादी पे ना, माशाल्लाह फड़ी है कि अड़ी है। चले, तुम ना मोदी खाई में ये घर मेरे नाम कर दो। अभी से हो गया तुम्हारे नाम? चले चलो। ओके, म्यूजिक। ओके, चलो ये अच्छा हुआ, इसकी भी सेटिंग चल रही है, मेरी रोजी पता नहीं कब आएगी। लियाकत यार, इतने दिन से नजर नहीं आ रहा, लियाकत पता नहीं कहाँ गया हुआ है। लियाकत आ जाए, फिर उससे बात करते हैं मकान मालिक के बारे में। अबे यार, जिस आदमी को भी जा कर सुनो, एक ही बात कहता, ये खप्पे ये खप्पे ये खप्पे ये खप्पे। यार परेशान कर दिया। अभी मैं आ रहा था मोहल्ले में, हाँ। एक औरत मेरे पास भागती हुई आई। अच्छा। भाई साहब, मेरी अम्मा है ना, साथ में माले पे रहती है, वो जान देना चाहती है खिड़की से कूद के। अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ। कहने उसने खिड़की का दरवाजा नहीं खोल रहा। यार तू गया कहाँ था? यार मैं कहाँ गया था? हाँ। मैं गोश्त लेने गया था। हाँ। तो कुत्ता छीन के भाग गया। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं भाग तो सकता नहीं, कुत्ते को कहा भाई इसमें आलू डाल देना। इतना बेवकूफ आदमी है, कल खाना खा रहा है, कुत्ता आके इसकी सारी रोटी खा गया, उसको भगा नहीं रहा, उसको सिगरेट दे रहा है, बोल रहा भाई ना सिगरेट पियो, मैं आपके लिए बोतल लेके आता हूँ। तो फैमिली वाले मुँह छुपा छुपा के जा रहे थे। हाँ। और मैंने कहा क्या हो रहा है? मियाँ बीवी है, घर पे जाओ। कह रही अपने घर पे जाती है तो उसका मियाँ डांटता है, मैं अपने घर पे जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे डांटती है। बहरहाल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं सली लो रहा हूँ इस घर के अंदर। यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ही करेगा, तो अमरीका करेगा क्या? लोग किराया पूरी दे दो सत्तार भाई को। कहाँ से दे? कितना कमाते हम लोग? पैसे की परवाह कर रहे हो? पैसा हो तो परवाह हो। और एक बात सुन ले, अब सत्तर भाई आ जाए तो उसको तू कवर करना, मैं अंदर अंदर चाय ले लो। और नौकरानी को कौन कवर करेगा? नौकरानी को कौन कवर करेगा क्या मतलब यार? उसका ख्याल करना सत्तर भाई का, नौकरानी का ख्याल नहीं करना। अच्छा, नौकरानी का ख्याल नहीं करना, सत्तर भाई का ख्याल नहीं करो। इतना बेवकूफ आदमी, हज के अंदर लोग शैतान को कंकरियां मार रहे, खड़े होकर बोल रहे हे खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे।
ये शैतान का कंकर मार रहा था। शैतान ने बोला यार शर्म करो, तुम तो हमारे अपने आदमी हो। हो गई ये बात है, ठीक है। 70 बजे का उसका ख्याल करना, मैं एक कप चाय पीऊं। ओके ओके, चाय पियो बगैर चीनी के। माशाल्लाह तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ? हमारे यहाँ सब चलता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, तुम लड़के लड़कियों को माँ बहन क्यों नहीं समझती हो? सब लड़कियों और लड़कियों को हम माँ बहन समझेंगे तो शादी हम लोग क्या आशा करेंगे? क्या? क्या मतलब इसे करने तुम? आखिर तुम हो कौन? मैं लियाकत हूँ और यहाँ रहता हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं औरतों के बारे में, समझे हो? क्या है औरत के बारे में? औरत एक खूबसूरत मोबाइल है, मर्द उसका चार्जर है। माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी? मैं 16 साल की। तू 16 बरस की? तू 16 बरस की? मैं पैदा ही नहीं हुआ। क्या बदतमीजी है आखिर, तुम हो कौन? आप कौन है? तुम्हें क्यों बताओ, मैं आसिफ से मिलने आई हूँ। आसिफ से मिलने आई हूँ? हाँ। मैं मर्द हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैं देखूँ गौर से मुझे। आसिफ, अल्लाह ने हुसन कूट कूट के भरा है। तो जरूर मत करना, वरना लोग कहीं किस बात पे गरूर कर रहे हैं। पता है क्या? क्या? मेरी अम्मा मुझे चांद कहती है। चांद? चांद कहती है तुम्हें? असल में वो तोतली है, वो सांड को भी चांद कहती है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि औरत एक खूबसूरत गाड़ी है। मर्द CNG? अरे? औरत क्या है? खूबसूरत गाड़ी है। मर्द एक मैखाना है। मैखाना? अगर बीमार हो जाए तो दवा खाना है, कोई मर जाए तो यतीम खाना है, अरे मर्द लाड़काना है, शादी हो जाए तो वलीमे का खाना है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर हो कौन? आसिफ कहाँ है? मैं आसिफ से मिलने आई हूँ। आसिफ से मिलने आई हो? हाँ। तो तशरीफ रखो ना। आसिफ, वो मोटा कहाँ मर गया? चिकन 66 ले आओ। चिकन 66 ले आओ। आसिफ,
टाके वाले पिज्जा। कभी निकलना नहीं गरीबों, ये चला गया एक दफा पिज्जा खाने के लिए। ये पिज्जा खाने, पिज्जा इसके सामने रखा, ऊपर का सारी चीजें खा गया, नीचे के जो डबल रोटी रह गए ना, कह रहा आप भाई अपनी प्लेट ले जाओ। आपके लिए मैं ले आता हूँ चाय। चाय? चाय, वो भी ठंडी। पागल है ये, मस्ताना मस्ताना। आसिफ, तुमने मुझसे वादा किया था। क्या? तुम्हें अपने वादे किसने सब भूल गए हो ना? तो वो मर्द ही कौन है जो अपने वादे निभाएगा? जो भूल जाए वही मर्द है। वो वादे वो कसमें वो कहाँ गई? सब कहीं, बेच दी मैंने कबाड़ी को। वादे क्या, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो ये वादे कसमें क्या अहमियत रखती है? तुम जानते नहीं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता है जानू, आप बहुत मुझसे प्यार करती हैं। आए बैठे। कहाँ? यहाँ पे सोफे पे। ओ, यहाँ बैठेंगे। आपका कुछ पता भी तो नहीं चलता ना। बैठे, आस्था से बैठूंगा मैं। क्यों? सोफे का दम निकल जाता है ना। थोड़ी थोड़ी देर में उठना पड़ेगा मुझे। क्यों? सांस लेता रहेगा ना सोफा भी। बहुत मजाक करते हैं ना आप तो। और आप छोड़ो ये मजाक मजाक की बातें, बस खोलो चिकन खिलाओ बस। क्या नहीं, कभी खुद ही कुछ खिला दिया करो। खाओ कसम तुमको, मैंने परसों लंगर लूट के नहीं खिलाए थे। क्या रहने दो, लंगर लूट के खिलाए थे। आपका काम है लंगर खाया करो। उस दिन बाजार ले गए थे तुम मुझे 1000 रुपए लेके। तो क्या हो गया, मैं 1000 रुपए में शॉपिंग करा रहा हूँ तुम्हें? मैं कह रहा जानू क्या खरीदना है, जो चाहिए ले लो। मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी, मैं वो भी लूंगी। मैंने कहा जानू फजूल खर्ची गुनाह है, तो मुझे कह रही है तुम सिर्फ खर्ची करो, गुनाह मेरे पे छोड़ दो। ठीक तो कह रही थी। ओए मेरा तारुफ कराता रह गया। पिछले साल सैलाब आया था ना। हाँ? तो ये इसकी फैमिली उसमें बह गई थी। अच्छा? तो ये मछली पे बैठ के यहाँ आ गया था। क्या तारुफ करा, काबिल है तारुफ के? पता है मैं जैसे आई ना मेरा दिमाग खा गया ये तो। कौन ये? हाँ? तो तुम दिमाग खुला रख के क्यों आ गई? मम्मी पहन के आ जाती। आसिफ कुछ मंगवाओ ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मुझे इतनी भूख लग रही है। कौन सी पी होगी? आज जो पिला दो। अच्छा वो मंगा दे। वो जो पीली होती है ना, जो खट्टी लगा रहती है, हम लोग ईद के ईद पीते हैं ना। आसिफ तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया? कॉलेज के जमाने में तो तुम इतने मोट होते थे, अब तुमने क्या होलिया बना रखा है? मना हो गया हूँ ना, रात को 4 बजे खा के सो जाता हूँ, पेट निकल गया जी, बेतुका हो गया हूँ। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बेहतरीन किस्म की चाय मंगाता हूँ। अबे बात सुन, एक दूध पति सुलेमानी चाय भेजियो। नहीं आ सकती। क्यों? दूध खत्म है, चीनी नहीं है, आटे में डाल के ले आओ चाय। ये देखो पागलों वाली बातें कर रही है, आटे में मैं पानी डाल के चाय बना के ले आऊं, लही बन जाएगी। हम लोगों को तो कभी हलवा खाना होता है, उसी लही में हम लोग चीनी डाल के हलवा बना के खा रहे हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारे अब्बू ठीक है? पापा तो ठीक है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। भाई ये तो गलत बात है, मैं अब्बू से भी मिलूं, उनकी बेटी से भी मिलूं, एक आदमी मिले भाई, ये बात सही नहीं है। आसिफ क्या कह रहे हो तुम? क्यों मिलना चाह रहे हो? तुमसे बात करना चाह रहे हैं हमारी शादी की। अरे अल्लाह, चलो आओ पहले तुम्हारे अब्बू से मिल ले। हाँ। फिर मैं दूसरों से मिलता हूँ, आओ मेरे साथ साथ आओ। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, फेरे ले रहे हो क्या? मैं तुम्हें घुमा के लेके जा रहा हूँ, आ जाओ। रक्षी के बाप ने कौन सी शर्त लगा दी यार, मैं क्या करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके साथ शादी करनी है, ये तो अजीब ही शर्त लगा दी है। अब क्या होगा यार? क्या कर रहा है, वो कमजोर दिल का भी होता है क्या? देर लेकर बातें कर रहा है, पागल हो गए क्या? यार यार जापानी, खुदा की कसम ऐसा नहीं हूं, पहले बता दे। नहीं जापानी, जापानी बहुत प्रॉब्लम हो गई है जापानी, मैं क्या बताऊं जापानी, एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं, प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूं, बहुत लंबी प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व कर सकता है तो कर दे, आखिर तू मेरा कैसा दोस्त है? प्रॉब्लम क्या है, तू क्या लाल वेब को जीना समझता है? नहीं नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है, तू क्या दही के कुंडे में ताश खेलता है? तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों पांचे में एक पांव घुसेड़ देता है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है यार? यार बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। तो आगे तो इतना बड़ा मुंह, इतना जब रोता तो इतना से खुलता। तू नहीं समझेगा, लियाकत लियाकत।
मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यार। इस तरह तो नहीं होगी, पहले खड़े हो जाओ। कैसे होगी? क्या हुआ? क्या तुम लोग अचानक बजरी फूटने लगे? यार बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तू भी नहीं समझेगा। आसिफ, आसिफ किधर है? आसिफ यार, आसिफ पहले ऐसे तो कर, ऐसे तो कर, ये समझ ले मैं कर ही रहा हूँ। मेरा वजन भारी है ना, पांव नहीं उठ रहे बस। यार आसिफ तुम्हें पता है, यूं तो करने दे बस करना। तूने क्या नया स्प्रिंग डलवाया क्या? अरे क्या हुआ, क्या मेरी जान हुआ क्या? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? कोई डाकू लूट ले आ गया? बैठे आराम से ना, लग रहा है इससे चीख रहे तेरे पर किसी ने टीटी लग दी है। यार एक मिनट मुझे कान दे। नहीं यार तू सांस लेगा, मैं इसके पेट में चला जाऊंगा यार। कौन इसकी लॉलीपॉप छीन गया? अरे लॉलीपॉप की बात नहीं है। क्या हुआ क्या यार? तुम लोग कैसे दोस्त हो यार? एक दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? तुम बता ना, कब बताएगा? बता रहा हूं, मुझे दरअसल माँ बनाना है। बता भाई, बात कर तू इससे। क्या चाहिए तुझे? माँ चाहिए इसे, तेरी पुरानी औरतों से जान पहचान है, बात कर। सही कह रही है वो, सही कह रही है। तो यार उसके सारे मोबाइल नंबर हो गए, तू बता, तेरे पास तो बहुत है। मैं तुम्हें ग्रुप लेके जाता हूँ। मेरा दोस्त है यार, देख देख इसमें तो वो क्वालिटियां लगती भी। एक मिनट ठहर जा, माँ चाहिए तुझे? काय के लिए चाहिए पहले ये तो बता दे। यार मैं बता दूँ, वो दरअसल बात ये है कि रक्षी के बाप ने ना, रक्षी के बाप ने ना। अबे आस्ते चलो यार, मैं पीछे रह गया हूँ। अब मैं आगे आ रहा हूँ, तुम पीछे जा रहे हो। यार इधर मेरी बात सुनो, सीरियस हो गए यार। हेलो, सीरियस हो गए? हाँ बोल, क्या हुआ? सीरियस आ रहे थे मेरी, सीरियस बाप आपाज हो गया। सुन मैं यार, इलाके में छापे पड़ते हैं, वहीं चलो। चलो तो क्या तेरे घर का छोप सोफा था? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर? बात दरअसल ये है, पीछे आ जाओ। क्या हुआ क्या, ये तो बता दे, कहाँ लेके जा रही है? बात बहुत सीक्रेट है यार, बस बैठ के कर लेते हैं। चल अपनी जगह पे आ जाओ। अरे बात के ताश ले आना। क्या बात पे पूछो? ये हंस ले आना, पिछली दफा भी इस तरह बैठे हम ताश निकालने के घर में आ रहा हूँ, पीछे से पुलिस ले आया था। अच्छा सुनो बात, सुन बता। बात दरअसल ये है कि रक्षी का बाप जो है ना, वो मेरे और उसके रिश्ते के लिए मेरी माँ से मिलना चाहता है। अबे तो मिला लेना, तेरी अम्मी को कहा इतराज है? तो मेरी अम्मी कहाँ है? यहाँ पे अम्मी? अम्मी चाहिए तुझे? कमाल करता, अम्मी चाहिए? यूँ बोलना, माँ चाहिए अम्मी? क्या माँ चाहिए तुझे? मतलब रिश्ते की बात पक्की करनी है? एक मिनट, मेरी है जानने वाली, मैं बात करता हूँ। बात कर, बात कर, एक मिनट सबर कर, आ जा। ये होता है दोस्त। अभी मिला नहीं है यार। सुन, बेल जा रही है, बेल जा रही है। अब पीछे जा, पीछे जा, गाय तो नहीं है यार, घंटी बज रही है। एक मिनट रुक, पूरा। हाँ हाँ, जुबैर का क्या हाल है भाई? हाँ हाँ, कैसी हो? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि फटाफट घर आ जाओ। हाँ हमारे घर आ जाओ। हाँ भाई, माँ बनना है तुम्हें? क्या बात कर रही हो? अच्छा चल भी ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे यार वो खुद माँ बनने वाली है यार। तो और आसानी हो जाएगी। मालूम हो गया क्या? क्या कि माँ कहाँ से आएगी? हाँ लो, माँ पूछ रही है, माँ कहाँ से आएगी? हाँ क्या माँ पूछ रही है? माँ खप्पे। तू माँ बन सकता, देख तेरे कान भी छोटे हैं। तेरे अप्पा ने क्या यहाँ पे लटकना है? नहीं नहीं, एक मिनट, इसका चाल चलन देना, जरा चल के बताओ। अरे इसको तो पूरा क्रेन उठाएगा यार, जरा चल के बता। तू इधर हो जा भाई, इधर हो जा, अप्पा के मिस्त्री। चल के चल, चल जाओ, चल चलो। लेडीज वाली ना? ओहो, अरे लेडीज बनता है यार, ये सदर में थोड़ी घूमना। अबे ओ लियाकत को बोला आने दिया करे, पहले रास्ते में, आधे रास्ते में रोक लेता वो, अब चाल बना गया। लेडीज, लेडीज सिंपली खा गया यार। ऐसे तो तू ऐसा लग रहा है जैसे सारा पैसा पे खड़ा होता है यार। तरीके से आ यार, धंधा मैंने हमें मर्द बनाया। हाँ लेडीज बनते बनते टाइम तो लगेगा ना। आ जा।
आशिफ और लियाकत और जापानी की मम्मी। ब्रॉड माइंडेड माँ नहीं चाहिए, माँ चाहिए माँ। अबे सही है ना, यही माँ है भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। पक्का हो गया, पक्का हो गया, तू इसकी माँ बनके इसकी लड़की के बाद से बात पक्की करनी है। बात पक्की करनी है, माँ बन जा मेरी माँ। मैं एक मिनट रुक जा, तेरी माँ बनने के लिए तैयार हूँ। तेरा ससुर जो है छिछोरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हाँ कल को देगा अपना रिश्ता डाल दिया, फिर मैं क्या करूंगा? वो शरीफ आदमी, पांचों वक्त शरीफ आदमी हूँ। चलो ठीक है, मुझे माँ बनना है। माँ है आज से हमारी माँ है। माँ माँ खप्पे, माँ खप्पे, माँ खप्पे। तू पहले ही माँ को खत्म कर दे। माँ खप्पे 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 करके खप्पे लगा रहा है। माँ खप्पे, माँ खप्पे, माँ खप्पे, पे ना खप्पे, पे है तो माँ है। ठीक है ना यार, कोई चिल्लान नहीं करो। ओके माई बाप, मुझे बनना है, मैं माँ बनूंगी। ठीक है, मुझे कोई अच्छे से ब्यूटी पार्लर का एड्रेस बताओ प्लीज। हाँ मेरी नजर में है। कौन सा? बकरा ब्यूटी पे नहीं? हाँ तो मुर्दों का मेकअप करते हैं बे। मैं ब्यूटी पार्लर का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? सत्तार भाई घड़ी घड़ी भाड़ा मांगने आ रहा है, उसको भाड़ा देगा कौन यार? हाँ, यार। हाँ, मां, मुझे आगे कर देते हो यार। तो भाड़ा बिल्कुल नहीं देगी, तीनों बेटे देंगे। बेटा बहुत देर हो गई, अनन्नास सूख गया, दूसरा लेकर आओ। तुम्हें मर दिया क्या? क्या हुआ, तुम्हें मर दिया क्या? अभी तो पता नहीं चल रही है क्या हुआ। मेरी नकल कर ला, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेरी कसम ले रहा, मेरी तरह मैं तो साफ सुथरी नकल कर रही हूँ, मेरी नकल नहीं जा रही। एक तो तू मुझे नजर आ दिया, एक मुझे ये नजर आ दिया। मैं कितनी नजर आ दिया तुम्हें? बाती दोनों ताँ, ये बताओ तो बाती तुम्हारे दो दो तोल ताँ हैं। दो 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 दो। अरे हाँ, दो दो थमन नहीं आने तेरे तो। बता दिया मैंने, इतनी जल्दी ताँ तो है तेरे तो। जल्दी ताँ तेरे तो, तुम्हारे दो दो ताँ मुझे बताओ। ठीक है बता रहे, बता रहे। बताओ किधर है? जबान के नीचे फोड़ा वोड़ा निकला क्या? फोड़ा वोड़ा ले निकला, पैदाइशी तोतला हूँ मैं। ये तो है, देखे ये जो है ना। हाँ समझ दिया मैंने नजर। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, हाँ पता क्या, रोजाना ना बदहजमी हो रही, तो उसका कोई इलाज बताइए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी तोतले आदमी को देख के थूकना है? अच्छा फू, ठीक है। क्या कह रहा है? अच्छा नाजिम का फोन है। हाँ नाजिम कौन? काजिम का भाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो मनुष आके मेरे पास ही बैठा है। हाँ इससे बात कर। हाँ लाओ लाओ बात। हाँ हाँ जी, एक मिनट उधर हो जाओ ना यार, बात हो रही, उधर हो जाओ। हाँ बात है। हाँ ठीक है। लियाकत? हाँ लियाकत है ना मेरे पास। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा इसकी, अच्छा मतलब जिसके हरे कपड़े होंगे उसको थप्पड़ मारनी है। हाँ। ओके, हरे कपड़े वाले को थप्पड़ मार दे। ठीक है, नाजिम का हुक्म। ठीक हाँ जी, हाँ ये लो लियाकत से बात कर लो, ये लो। हाँ अच्छा, अगर वो पीछे से आए तो सामने वाले से कहूं थप्पड़ मारे। अच्छा हमारी बारी भी। हेलो दीदी। हाँ यार, मगर दूर बहुत दूर खड़ा हुआ, ये मैं क्या करूँ? मैं हूँ ना। हाँ हाँ मैं हूँ ना। हाँ तो लियाकत, हाँ तू जरा साइड में हो जा। अपना काशिफ, हाँ तेरा बराबर में खड़ा है ना। हाँ पेट वाला घूसा मारियो। आप देखे होल्ड होल्ड करें क्या? अच्छा भाई वो कह रहा है इसको जान से मार दो तो 500 आके दे जाऊंगा। समझ गया, चलो इधर आ जाओ। अच्छा भाई चलो इधर आ जाओ। अबे चारों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चारों के बहुत हो गया। मैं सब समझ दिया, मैं सब समझ दिया। तिलाया निकालो, तिलाया। अबे तिलाया तिलाया, क्या बोलो? किराया किराया को सही कर ले, फिर आके ले जा। तुम समझ गए? नोट नोट। अच्छा नोट, क्या 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 क्या? नोट नोट। अरे तो ऐसे बोलो, ये नोट लिया। अरे तुम समझ, अरे याद तो देव भी तो नहीं है ना मेरे पास। पैसे 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 चाहिए, पैसे पैसे पैसे। हाँ दे दो ना यार, हम तो समझ निकाल रहे हैं कुछ पैसे दे दो। मैं आज किराया लेते जाऊंगा, वरना मकान खाली करो। किराए की बात, इधर आओ। इधर किससे किराया मांग रहे हो तुम? तुमसे और किससे? जानते हो ये लड़का कौन है? तुम्हारा बाप है। ये किसे बताया? जानते नहीं हो ये कौन है? अरे तो है, बता दे तो है। ये दोस्त है मेरा ये। अरे वो था नजर आ गया मुझे, दोस्त है तुम्हारा। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तुम चकरा के गिर जाओगे। अच्छा इधर आओ, मेरा पता। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बताओ।
जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ तू भी धल में लेते हो मेरे तिलाए डालो। पता ही नहीं है, मैं तीनों की माँ हूँ। उसके सामने नहीं, उसके सामने माँ बात सुनो। ये जो हमारा दोस्त है ना काशिफ, समझ गया, एक अमीर लड़की से शादी कर रहा है। तुम्हारे जैसे 10 घर है उसके पास। नहीं यार, सिर्फ नौकर रहते हैं ऐसे घरों में। नहीं यार, करोड़ों की जायदाद बताओ आगे। करोड़पति है ये, करोड़पति है ये। थोड़े दिन के बाद होने वाला है, इसकी शादी होगी, इसका जो ससुर है ना जेब में बहुत कुछ देगा। तुम खाली एक का डबल करके देखो। एक का डबल कैसे होगा? आपका कितने महीने का किराया? 6 महीने था। 1 साल का किराया मिलेगा डबल करके। डबल करके मिलेगा? डबल करके डेथ सोल कैसे मिलेगा डबल करके? जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो बहुत अमीर बाप की बच्ची है। नहीं हाँ, ये घड़ी दो तुम मुझे, ये घड़ी खपे। लो आ गई। ये क्या कर रहे हो? डबल मिलेगी। चलो मेरा तो खा, डबल मिलेगी। हाँ अच्छा, हाँ भाई डबल मिलेगी तो तब मिलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर तो तब होगी शादी, तो शादी होगी, उपकरण होगी इसकी, होगी मेहंदी का रस्म भी होगी। समझ गया, मेहंदी के रस्म में हरा कुर्ता चाहिए। आप कुर्ता उतार दो, कुर्ता दे दो उसे। अरे दे दो, डबल मिलेगा। डबल हाँ, उतार दो ना, उतार दो। वेरी गुड, लो भाई ये भी काम हो गया। भाई ये टोपी भी साथ आ गई। जो चीज मुझे चाहिए वो इंशाल्लाह डबल मिलेगी तुम्हें। तो क्या चाहिए मुझे बताओ। तो पजामा दे दो यार। आप खुद खड़ी हैं या कोई भूल गया है? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप यहाँ कैसे? आपका नाम? जी रोजी। आप कौन? मैं, मुझे बेरोजगार कहते हैं। क्या? यहाँ किससे मिलने आई हैं? जी जापानी से। जापानी को छोड़िए, चाइना को आजमाइए। नहीं, जापानी कहाँ हो? जापानी कौन? जापानी, जापानी कहाँ? मुझे भी तो देखे आपको। मैं कैसा लगता हूँ? एक मिनट, 5 मिनट कौन है ये? एक्सक्यूज मी, दिस इज माय पीस। तेरा पीस है? हाँ तेरा पीस है। भाभी तेरी, आप इससे शादी करोगी? तो क्यों, मेरे में क्या लहरें आ रही हैं क्या? नहीं, क्या खराबी है? इससे शादी मत करना, मैं बता रहा हूँ। क्यों? अरे इसको शादी नहीं आती है। क्या? मैं सीख गया, इधर आ जा, चल जा। अच्छा, अपना पीस आया तो कैसे इतरा रहा है और हमारी कढ़ाई में पकोड़े तल लेता तू? तो कढ़ाई मारोगी तो बंगाली पकोड़े तलेगा। बंगाली? चुप हो जा बस। कौन है ये? कौन ये? पता नहीं कौन है, ऐसे गरीब लोग, 1000 कुत्ते बिल्ले यहाँ घूमते रहते भाई। छोड़ो उड़ी जापानी, तेरा टेलीफोन आया। कहाँ जा रहे हो इतना? मेरा बहुत अच्छे, हमारे को वहाँ पे फोन पे लगा के SMS पढ़ रहे तुम्हारे। शादी कर रहा तेरा भाई उससे? शादी कर रहा? इससे? तुम क्या अंधी हो क्या? क्या भाई, इससे शादी कर रही है तुम? अल्लाह का करम है, शहजादा चोरलस। चोरलस? चोरलस होता है 40 के चक्कर पे आया ये। चोरलस? हाँ चोरलस। और ये शहजादा रोजी? रोजी रोजी आपकी तारीफ। यार अगर ऐसी रोजी होगी तो फिर बंदा रोज आना टाइम पर काम पे जाएगा। वो रजिया खानी का फोन आया था के कैपरी के पास में खड़ी हुई। रजिया खान कोई नहीं, तू जा यार। रजिया कौन? वैसे ही पता मांगने वाली है, पता है कि हर रोज जुमेरात को खैरात देता हूँ ना, उसका फोन आया होगा। आपकी तारीफ? कौन है? मेरी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। लानत है इसके बाप पर, ये क्या काम दिखाया यार। खुद तुम लोग समझा करो, तेरी भाभी है यार। भाभी है? मैं क्या भाभी, खप्पे है। जाओ यार अंदर, जाओ यार अंदर, जाओ, मैं अंदर ही मरूं। जाओ। रजिया खानी को क्या बोलूं? कुछ भी नहीं यार, तू जा यार। रजिया कौन है? रजिया वो किस कल टाइम दिया था ना उसको। यार तू जाना यार, लड़का लड़की को अकेला छोड़ो यार। लड़की तो समझ में आ रही, लड़का कहां? अच्छा आप कोई काम आप करते हैं? लड़का है? ये लड़का, लड़के को कब सुबह पर? अच्छा लड़का। भाभी क्या है यार, मेरे से पकौड़े नहीं चले जाता है ये भाभी। हम दोनों चले पकौड़े नहीं चले जा रहे, जा चले जाके जा चले चले, मैं अंतर ही मारू। जाओ उधर से, मैं सफाई कर रहा हूँ। सफाई?
कौन है? नजर नहीं आ रहा, लड़की हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मैंने कब बोला कि आप रशीद खुसरा? हैं जी? ये बताएं आप हैं कौन और चाहते क्या हैं? हैं जी, क्या चाहते हैं? सुकून चाहिए ना करार चाहिए, सुकून चाहिए ना करार चाहिए, हमको तो बस आपका दीदार चाहिए। ओहो, किस सिलसिले में आए हैं? हम यह शादी के सिलसिले में आए जी। आपकी यहाँ भी शादी होती है? जी हाँ, हमारे यहाँ शादी होती है। आपके यहाँ भाग कर करने का रिवाज होता होगा? मेरा मतलब है आप भी शादी करेंगे? और क्या, आप क्या समझ रही है, मैं क्या दुनिया में सिर्फ आम खाने आया हूँ? आपने शादी कर ली तो दूसरे दिन ही मर जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इस उम्र में एक दिन तो मिलेगा ना। जहाँ लड़की देखी खूबसूरत वहीं लट्टू हो जाते हैं। अच्छा खूबसूरत, अपनी खूबसूरती पे इतना नाज न करो, ये खूबसूरती है तो सिर्फ हम मर्दों की वजह से। अगर हम मर्द तुम्हारी तारीफ ना करें ना, तो ये मेकअप कर करके तुम क्या अपने अब्बू को दिखाओगी? आप मर्द होते बड़े बेवफा हैं। झूठ, कैसे बेवफा होते हैं ये मर्द? मर्द वफादार होते हैं, ये मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? अगर मर्द बेवफा होता तो आज पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ कैसे हुई बताओ? और मर्दों को कुछ कहना नहीं, इन मर्दों और इन लड़कों की तरफ से मैं कहता हूँ कि ये लड़के हर किसी से यूं ही नाता नहीं जोड़ा करते, ये लड़के हर किसी से यूं ही नाता नहीं जोड़ा करते, और पकड़ ले एक बार हाथ तो उम्र भर छोड़ा नहीं करते। कैसे, एक बात बताए, आप काशिद की आंटी? लाहौर वाला कुआ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सतिया नाच जाए। नौकरानी हमारे मुंह लग गई हो, जाओ जाके काशिक को भेजो, चलो। ओहो, इतना शोर मचा रहे। हे तीसी, मोटर बड़ी वाली लगी हुई है। काशिक साहब दिमाग खराब करके रख दिया। अबे कौन है भाई, चल चल निकल, बात चल चल, चल। अम्मी तैयार? बस वो एक सेकंड पी के आ रही है यार। नहीं,
आग बुझा कर आएंगी, वो चाय बनाएगी। खुदा की कसम जी, शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने इतने इतने बार रखे में इसका तकल्लुफ क्यों किया? इनका कसम खुदा की, इनके कल में देख के लग रहा है मोजे पहने हुए हैं। राम दिख लो सुसर है, अम्मी को लो, अम्मी को। अरे अम्मी को नाड़ा नहीं, नाड़ा कहाँ है? उसको बोल चिकम लंबी करके बांध ले। ये आपस में मजाक करता है ना, दोस्त है ये मेरा। अच्छा, दोस्त है जापानी। अच्छा अच्छा जापानी, माशाल्लाह शुक्रिया। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। वारिस साहब तो पाकिस्तानी थे ना? हाँ, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, तीन मुल्कों की मुश्तरका पेशकश। मैं माल आओ, माल आओ, मेरा तैयार हो। टैंक लगेगा थोड़ा समझा कर, शेप भी तो बड़ी हुई है उसकी। अच्छा, क्या बड़ी हुई है? वैसे आपको देखकर खूबसूरत शेर अर्ज किया मैंने। जी क्या है? आपके हुसन पर खूबसूरत शेर अर्ज किया है। जी जी जी। ये माधुरी की फिल्म आई आजा नचले। वाह जी वाह, माधुरी की फिल्म आई आजा नचले। अबे ढकले सर तो ढकले। मैं बता रहा हूँ, अगर चिराग की ना मैं टक्कर मार दूंगा। हमारी वारी पे क्या किया था? अम्मी किसको बना दिया तुमने? क्यों, क्या हुआ? अबे वो तो गैलरी में खड़ा है, लोग उसको मीठे मीठे पान फेंक रहे हैं। खुदाई खुदाई कर, पैदा कर यार, फौरन तैयार कर, मैं आ रही हूं। बस आ जाओ अंकल, मैं प्लीज ये काशिफ की मम्मी को लेकर आ रही हूं। अगर आप चाहे तो एक आधा शेर और सुना सकता हूं। जी जरूर जरूर जरूर। अर्ज क्या है कि तुमसे अच्छे होंगे तुम्हारे अगले पिछले। बहुत ही बात, तुमसे अच्छे होंगे तुम्हारे अगले पिछले। अबे ढकले सर तो ढकले। समझा लो, मैं बहुत बुरा करूंगा इसके साथ में। बेफिक्र आप बैठे बैठे तशरीफ रखिए ना। अपनी अम्मी बुलाओ भाई, अब तो उनसे मिलने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है भाई। आ रही है वही रिश्ते की बात करेगी। और तुम सुना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा कारोबार वगैरह कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बेटा कुछ खाने पीने का नहीं मंगाओगे जब तक अम्मी आ जाती? हाँ क्यों नहीं, क्या तैयार हो रहा है? खाना तैयार हो, चूल्हे पे रख दिया मैंने। क्या चूल्हे पे रख दिया खाना? अच्छा अच्छा, तैयार हो रहा है। अच्छा चूल्हे पे रख दिया है। क्या पका? माशाल्लाह, इसको देख के एक शेर याद आ गया। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तुम्हारा बेड़ा गलत हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश है। सीधी बातें करते। अब बैठे 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 बुरा नहीं मानी, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप मेरी मोहब्बत की खातिर बैठे, ये तो जाहिल है। इनकी बात का बुरा मत मानिए। अब चाय पी। तुमने भी अपने दोस्त, अपने से 20-20 साल बड़े दोस्त बना रखे। आप चाय पियेंगे? मैं बहुत गुस्से में हूँ, शरबत मंगा लो। शरबत? शरबत तो मुश्किल है। लस्सी पियेंगे? हाँ लस्सी मंगा लो। नहीं, लस्सी की दुकान भी दूर है। आप ऐसा करें, आप जूस पियेंगे? हाँ जूस मंगा लो। जूस तो फ्रिज में खत्म हो गया। फिर एक गिलास होने वाले दामाद को मार रहे। होशियार, अम्मी हुजूर तशरीफ ला रही है। जन्नत होती है ना? हाँ। तुम्हारे जन्नत से क्या काम दोस्त की? हाँ। मेरे चप्पल मेरे मोड़ लो। आप बात की।
दीजिए प्लीज। वैसे जी आप इतनी खूबसूरत हैं। उफ, अपनी आंखों का इलाज करवाएं। आप एक बात बताएं। जी जी। आप 30 साल पहले कहाँ थी? मैं बाबा बेट में थी। यही 30 साल पहले मैं यही रुल रही थी। माशाल्लाह, आप जितनी सेहतमंद है इतने सेहतमंद आपका बेटा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रात को 3 बजे उठ उठ के पराठे खाते हैं। असली की आप बैठ के बात करें ना। बड़ी क्वालिटी है हमारी आंटी में। हाँ, क्या क्या क्वालिटी आंटी में? क्या क्वालिटी है? यहाँ पे सरिया रख के नहीं मोड़ देती है। बहुत क्वालिटी है हमारी आंटी में। ये क्या करती है, मिट्टी का तेल पीती है, फूंक मारता है। और एक क्वालिटी मेरी और भी है ना। क्या? मैं क्या करती हूँ पता है? ये हवा में है ना, फूंक मारती हूँ, फूंक करके जोर से। आप ऊपर गेंद रख दो, गिरेगी नहीं। आप आए ना, बैठ के बातें करते ना। अच्छा, आप लोग एक काम करें, सभी मेरा ख्याल है आप लोग जाए। नहीं नहीं ना। अच्छा, आए ना। आए क्या हो गया? आप मेरा हाथ चेक करो मेरे पे। नहीं नहीं, चेक करो, मैं अपनी बेटी देने आया हूँ तुम्हें। अंकल, आपकी इस खूबसूरती पे एक शेर अर्ज किया है। अरे अर्ज करें, अर्ज क्या है कि आप अच्छे हम सब पगले। वाह, आप अच्छे हम सब पगले। वाह, अबे टकले सर तो डगले। आप अच्छे हम सब पगले पगले। माँ, मेरे को यही अंकल खपे। दोनों के दोनों चिरान करोगे, मेरा मेरा रिश्ता इधर उधर होगी। मैं चिरान कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। अम्मी हाथ से निकल जाएगी, अपने ससुर को समझा। नहीं नहीं नहीं, लाखों ईमान से ये जो है ना चिरान कर रहा है, मैं इसके दोनों फ्लैश खींच दूंगा। मैं बता समझाना उसे यार, अम्मी अम्मी का नुकसान हो जाएगा। बता ऐसी पेड़ी पेड़ी आओ सिट डाउन प्लीज। अम्मी आपके कहां से? अम्मी अल्लाह माफ करे, ये तो मेरे ससुर जितने अपनी अपनी मना रहे हैं। ओए ओए छोड़, इत्तफाक करें इसको। आप बताए ना, आप बड़ी कौन है? कौन है? आप भी बड़े शरीर हैं। अल्लाह, ऐसे लगता है फूल मार दिया आपने। हरकतें मत करें, गिठान लग जाती है। खुल के बैठे आपको तो आदत पड़ गई, शादी के बाद तो मैं फिर ऐसे ठुकाए करूंगी, पता चल जाएगा। रिश्ते की बात करो, रिश्ते। एक अम्मी एक थप्पड़ और मार दीजिए प्लीज। फरमाइश। पता है मैंने आपको थप्पड़ क्यों लगवाया? क्यों? दरअसल मैं आम नरम करके खाना चाहता। बड़ा शरीर है मेरा बच्चा। ये रिश्ते की बात, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। आटा तो नहीं मांग रही, चीनी तो नहीं मांग रही। प्लीज इस तरह की बातें ना करें। चीनी ये कैसे दे सकता है, बोरी फटी हुई हो। आप ज्यादा कर एक बात मैं नहीं बन रही भाई। अम्मी इस तरह करेंगे तो फिर ये मैं मुझे रिश्ते की बात तो करने दो। नहीं नहीं नहीं, कोई चिरान नहीं करेगा। रिश्ते की बात कीजिए बेटा। मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम ये बोलो कब बारात लेके आओ। उसकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तुम्हारी बात कर रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो बारात लेकर आएगी। भाई कब कब ला रहे बारात? आप हुकुम करें। जुम्मे के दिन नहीं, जुम्मे के दिन। क्यों भाई क्यों? मेरे को हॉक्स पे जाना पड़ेगा। हॉक्स पे हॉक्स पे की पड़ी है। मैं तो कह रही हूँ उसे आज से हॉक्स पे भेज दो। सुने ना, अगर ये क्या बाजार पे
तुम्हारे बाप से भी ले लूंगा मैं। आप बहुत ही छिछोरे हैं, बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए, इस तरह नहीं करते। अरे टॉपिक में तो सबसे जानवरों बड़ी बड़ी नाम उठा रहे हो। अच्छा ये बात करेंगे, मेरा बेटा है काशिफ। अच्छा हाँ, और मैं इसकी मम्मी अभी अभी बनी हूँ, आपके सामने आई हूँ अभी 5 मिनट में। मेरा मतलब है कहने का कि आपको मेरा बेटा कैसा लगा? भाई मुझे तो आपका बखूरदार बहुत पसंद है। वैसे एक बात बताएं जी, जी आपके बखूरदार कारोबार क्या करते हैं? ये पतंग की लई बनाते हैं। पतंग? नहीं नहीं नहीं, पतंग की लई नहीं, कारोबार बताओ ना सही कारोबार। धंधा क्या करते हैं? एक धंधा, ये एक दफा धंधा करने लगा था, पुलिस पकड़ के ले गई। आप समझ नहीं रही है इनका बिजनेस क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ये जापान वालों से चाइना के खिलौने मंगाते हैं। मेरा बेटा बिजनेस करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, अभी बताया नहीं इसने करता क्या है, लेकिन बिजनेस है। बताया मतलब बिजनेस। वैसे इसको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है, ये कोई लंगड़ा लूला है। अब आज है नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, वो तो हम लोग ले ही लेंगे ना। अल्लाह का दिया अरबों की जायदाद, उनको वापस करो, आप पर केस कर देंगे। पैसों की बात हो रही है। अच्छा सुनो, अरे आप समझे नहीं, अरबपति आदमी, बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ी मिले, आप कभी दुखी नहीं। अच्छा आप अरबपति हैं? अरब पति हैं जी, जी बंगाली पति हैं। जान कर रहा है यार ये। अम्मा रिश्ते की बात कर लो। तो किस तरह करूँ, करता रही हूँ, वो कारोबार पूछा मेरे बेटे से। एक बात बताए जी, जानू क्या कह रहा है? यही खड़े रहना, तुम लोग कहीं जाना नहीं, ये आस्ते आस्ते खुल रहे हैं। वैसे ये तीनों आप ही के बेटे हैं? नहीं तीनों नहीं, मेरा ये एक ही बेटा है। हाँ, ये तो हमने बंगाली पहाड़े से उठाया था, ये इनका सच्ची का है। हम शादी से पहले के हैं, नहीं मतलब हम दूसरी माँ के भाई। हमारा अपा ने 15 शादियाँ की थी ना। 15? जी 15 में से एक में से निकला, ये उनका बेटा है। अम्मा जेज देश की बात करो। अम्मा आप एक बात बताएं। मैं जेज नहीं दूंगा। जेज में आप क्या देंगे? आप जो कहेंगी। आप जेज में क्या क्या देंगे प्लीज बताएंगे? आप हुक्म करें, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो मेरा है वो मेरी बच्ची का ही तो है। बस ठीक है, कारोबार भी हम हमारे बच्चे को करा देंगे, आप देंगे ना पैसे? बहुत, बस उसी से करवाएंगे। अरे क्या जरूरत है इसको किसी का कारोबार करने का? ठीक है, ये मेरा बिजनेस संभाले। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, बारात कब लेके आए हम? आप हुक्म करें, जब आप कहें। तैयार। आज शाम को? आज शाम को? आज शाम को ठीक रहेगा? आप अभी बोले, अभी काजी बुलवा लो। मैं तो कहते हैं खड़े खड़े यही निकाह कर लो। नहीं नहीं, काजी नहीं आ सकता। क्यों? वो धरना देके बैठा हो। अरे कोई दूसरे काजी की बात हो रही है यार? ये वो वाले काजी की बात नहीं हो रही है यार। ठीक है, रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया। आप अपनी बच्ची तो काली बच्ची आप। अरे अल्लाह, क्या हुआ? मैं यार मैं ये नारियल में से पानी पीऊंगा। आप समझे नहीं, मैं अपनी बेटी साथ लाया भाई। ओहो, तो अंदर बुलवा ले, मोहल्ला ठीक नहीं है। हाँ? कोई बात ही नहीं, मैं बुलवाता हूँ। बुला 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 बुला। अपना रक्षी, रक्षी बेटा, रक्षी बेटा, रक्षी तुम्हारा बाप बुला दो। बेटा रक्षी इधर आओ। बेटा ये तुम्हारी सासू अम्मी, इनसे मिलो मिलो मिलो। एक मिनट मुझे मिलने तो मैं टाइमिंग लूंगी, एक्साइटिंग करूंगी। तुम ये फिर मुझे नहीं बनाना था ना? नहीं तो समझ गया ना बेटी। दूर से क्या हो? गई भी नहीं हूँ मैं, नहीं खेल मैं बाहर जाके गुल्ली डंडा खेल लूंगी, मैं नहीं खेल। अम्मी दूर दूर से तू आए देने, तो इतनी नेक बच्ची है। दूर से? अच्छा दोनों को एक साथ दो। काशिफ तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी हुजूर से मुझे गले लगने दो। अरे क्या हो गया भाई? इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट बात करो भाई। बेटा इधर आओ, इधर आओ। देखो तुम मिलो अब।
मेरी फूली सी मेरे लगाए मैं मना नहीं करूंगा। नहीं 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 मेरे आप कितने भी हाथ लगाए मैं मना नहीं करूंगा। नहीं करोगे तुम्हारी तो सीएनजी लोड हो जाएगी हम खाली हो जाएंगे। काशिप ने दुआ दे रही हूं क्या हो गया। एक साथ हो दोनों के एक साथ हो। तुम तो घर के आदमी हो सुबह ले लेना दुआ जो नहीं नहीं फिर कहां मिलेगा। काशिप चलो उठो आप आइए आप बैठिए बेटा बैठो उधर। काशिप अम्मी बैठो ना अम्मी बैठो बैठो बहुत अच्छे अब तुम्हारा बाप ऐसे ही खड़ा रहेगा। आप यहां आ जाएं आप यहां खड़े हो जाएं। मम्मी मम्मी जब आए ना मम्मी बनाई है ना तो थोड़ा बर्दाश्त भी करो फिर हम भी चले माओ थोड़ा सा आप भी डिस्टर्ब ना करें चले जी यार थोड़ा सा हटे अब सही है अब बातचीत बंद हो गई। क्या हो गया बर्दाश्त हो खबरदार जो हमारी कढ़ाई में पकौड़ियां खाली दो मेरे को भाभी खप्पे खप्पे मैं तुझे ये जूता इतना जोर जोर से खपेगा फिर सब भूल जाएगा तू। बात कर लो अम्मा। बेटा अपना क्या नाम है आपका रक्षी। एक मिनट आप अपनी बहू से दूर हो गई हैं है ना बेटा। नहीं यही सही है यही सही है। कितने अच्छे लगा क्या जोड़ी लग रही है वाह 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 क्या जोड़ी है आपकी ईमान से। काशिप क्या हो गया तुम्हें मुझे आखिर मम्मी के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। समझ रही है ये पत्ता नहीं समझता ही नहीं है। मैं इसको पहली रात को है ना जहर का प्याला दे दूंगी। बेटा देखो वो भी बोल रहा है क्या जोड़ी लग रही है ये चाह रहा है कि तुम इसकी बहन बन जाओ। नहीं मामू और बहन की जोड़ी कह रहा हूँ। बेटा बेटा मुझे अच्छा मैं कंट्रोल में हूँ। कंट्रोल कंट्रोल ऑफ सेल्फ। यस कंट्रोल ऑफ सेल्फ। अपने लक्ष्मी आपको अब मेरा बेटा काशिप कैसा लगा। जैसे कि आप मुझे लगी। जल्दी जल्दी देख खोलो तो फकीर बैठा है यार खाने का। मैं तो मशरी की लड़की हूँ कैसे बता सकते। बहुत अच्छे तुम मशरी की हो तो हम लोग क्या ढाका के मुँह से ही बता दो बेटा। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए जिस तरह ये चीख रहे मॉडर्न लोग हैं। आप बाकी शीशा पीती जी सीवियो चलिएगा हम दोनों साथ पियेंगे। मैं अभी 10 मिनट में तो आई हूँ वहाँ से। मैं ये कह रही थी तय हो गई शादी। कब कब की थी कि आपने किस तरह मानेंगे ये कैसे मानेंगे। देखें भाई हमारी तरफ से जो है ना चांद की 14 तारीख थी। चांद की ठीक है 14 तारीख ठीक है। इन दोनों के एतबार से वो अमावस की रात भी है तो उसके एतबार से सेट हो जाएगी शादी। अमावस की रात आएगी हम लोग क्या इच्छाधारी नागने हैं। अम्मी मैं कह रहा था यार वो पुरानी खारिश है पुरानी खारिश। आजकल बाबा निकली हुई ऐसी बाबा निकली हुई छोटे छोटे दाने होते ना स्मॉल साइज प्रिकली हीट नहीं स्मॉल। बस ना रिश्ते की बात करो वो क्या पुराना कंपाउंडर है क्या। हाँ तो वो मसला ये था कि ये अब चांद की 14 तारीख को जो है बारात लेके आएंगे आपके यहाँ। देखिए जी आप शादी की हाँ तो करेंगे मगर मैं अपनी बेटी से पूछे बगैर कोई बात नहीं करता। बेटा आप बताओ आपको ये रिश्ता मंजूर है। जी डैडी हमारे घर में टाइम पास भाई भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस मौके पर आपके पास कोई शेर नहीं है आपके लिए शेर अर्ज किया खाने पीने में शेर अर्ज किया है। शेर में एक बात अर्ज करूं शेर से पहले एक छोटी सी बात है। मैं चाहती हूँ खुशी का मौका शादी तय हो गई आप लोग बैठे तो मैं अपनी बहू को जरा कम मैं चीज दिखाना चाह रही थी। मैं इनको अपनी चीजें गिफ्ट करना चाह रही हूँ। मुझे गिफ्ट कर दो मुझे दिखा दो। डैडी हमको क्या हो गया। कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं तुम्हारी सास है। इस खुशी इस खुशी के मौके पर आपको शेर कह रहे थे आपके ऊपर शेर अर्ज किया खाने पीने में शेर अर्ज किया है। जी जी कि हमने पकाया है सालन अंदर आके चकले। हमने पकाया है सालन अंदर आके चकले। अबे टकले सर तो ढकले। मेरा मतलब ये कि खाना तैयार है अंदर बात आपकी हो गई आइए अंदर चल के मुंह मीठा करता हूं। चलिए आइए लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट लेडीज आप आगे फर्स्ट आगे फर्स्ट चलो चलो आइए प्लीज आप चले चले।
छोटी सी बात है, 5 किलो चीनी मांगी आपसे, आप मुझे देखेंगे ना तो 5 बोरी छोड़ के चले जाएंगे मेरे घर पे, आप मुझे जानते नहीं है। क्या हवा में पकोड़े बना रहे हैं आप? तो उन्हें आहिस्ता जरा दूर होके कंट्रोल होके, आपका रिमोट नहीं है साथ में? प्लीज मुझे बताएं आप तोन। मैं तोन नहीं हूँ, मेरी तोन है लेकिन मैं तोन नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रखा नहीं है अभी। मैं काशिफ की मम्मी। काशिफ की मम्मी? काशिफ, काशिफ। आपके मुँह से काशिफ नहीं निकल रहा, छोटा सा नाम है काशिफ। काशिफ? हाँ वही, ताशिफ, उसकी मम्मी। प्लीज आपका नाम क्या है? मेरा नाम ना। तुलसी ईरानी। तुलसी ईरानी? तुलसी नहीं, तुलसी। अरे वही तुलसी, मुझसे मिलो बदाद बदाद। अच्छा ओके, आप हैं मिस्टर बजाज तुलसी? आपको किसी ने मतलब फरमाइश की है कि गाना गाएं आप? बस दूर होके प्लीज। अरे आंटी, आंटी जल्दी आओ, मैं अकेली बैठी हूँ। इन्होंने मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे स्कूल से नाम कट गया, 5,000 रुपए के खपे। बेटे ये बहुत महंगे स्कूल की बात कर रहे हैं। इतना भला होता है स्कूल में पढ़ रहा है अभी तक? नहीं नहीं, ये सिंध मदरसा में पढ़ता है बेटा, 1,000 रुपए फीस है, ऐसा ना करो किसी के साथ जुल्म ना करो, 1,000 रुपए फीस है। 1,000 रुपए? गरीब बच्चा है, बकरा ईद पे होलड़ियां जमा की है, फिर जाके तौलिया बना के बेचा है इसने, साइड से निकाल रहे। क्या बात है की
के पैसे हैं? 1000 रुपए। 1000 रुपए तो सिर्फ दाखिले के। निकल ले बट हो ले, निकल ले, निकल ले। 1000 रुपए कन्वेंस के भी तो निकल ले। 1000 रुपए क्या रोज टैक्सी में आओगे जाओगे, क्या कर रहे हो लियाकत? आंटी 1000 रुपए और खपे। इस थोड़ा सा मेंटल के इस खपे। दफा हो जा। दफा तो बड़ा क्लियर का है, यहाँ तो कह सकते थे दफा हो जा। मेरी बात सुनो। सुनो नहीं, मैं सुन रही हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? अम्मी समझ में नहीं आ रही, वो करने का फायदा क्या? अरे भाई वो बिजली का बिल जो है ना, 15 दिन से आया हुआ, 6000 रुपए जमा कराना है। सही टाइम पे आ रही है मेरी औलाद। कितने बिल आया था? 6000 रुपए। छे बेटा बहुत है, हमारे घर में तो एक ऐसी 1500 रुपए है, तुम इतना ज्यादती ना करो किसी के साथ, फिर कोई आइंदा आएंगे नहीं हो तुम्हारी मम्मी के पास इस तरह। कितने का बिल है? 1500। 1500 और देखते रहिएगा किसको कितने दिए हैं। ये तो तुम देखो ना। नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि मेरे लिए बचेंगे भी या नहीं। निकल हम आने लगे निकल। हालांकि आज तो तकरीबन 15 तारीख है, आज तो मीटर चेक करने वाले आते हैं, बिल वाले तो 28 को आते हैं। आज ये बताइए शादी करेंगी? शादी जब तक शादी सही नहीं बोलेंगे। 1000 रुपए को गन पॉइंट पे मुझसे लूट के चलेंगे। तो तुम खुले आम 1000 रुपए से नंबर मिला रहे होंगे ना, मोबाइल समझ के ले गए होंगे। कितने ले गए? 1000। अच्छा एक काम करें, इसको 1000 दे दें। एक और 1000 और दे दूं जी? दो इसकी तरफ हो गए। मैं अपनी याददाश्त के लिए जहन में डाल रही हूँ। ये भी कोई छीन लेगा 1000 एडवांस दिलवा दो। याददाश्त में 500 रुपए का सिक्योरिटी गार्ड रख लो और 500 रुपए तुम जाके यहाँ रख लो। जल्दी जाओ, बार बार बच्चे शरारती। मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? यहाँ में प्लीज, ये ड्राइंग रूम में यहाँ ऐसी बातें नहीं। यहाँ में लोग कहीं गार्डन में चलो, गार्डन में। बड़ी चिरान आई, सबसे बड़ी चिरान। कितने मिनटों के बात करते हुए ये कोई बेटा? मुझे कितने मिनट हो गए इन दोनों को बात? तुम्हारे बात करते हुए कितने मिनट हो गई? 3 घंटे 45 मिनट समझ लो। 2000 कितने मिनट? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के हिसाब से 100 1000 रुपए लाओ। 1000 रुपए लाओ ना, मुझे किराए पे चला दिया इसने तो। अब खेलो। ये 30 बात के ले दिया ऐसे भाड़े के? 30-30 का भाड़ा परिटी घंटा 100 रुपए घंटा। बात कर रही हो तुम? कितने रह गए? वो कह रहा है आपकी लाइट कटेगी ना तो अंधेरा आ जाएगा, तो मोमबत्ती लानी है। लाओ पैसे दो। कितने की मोमबत्ती लानी? मोमबत्ती आएगी 1000 रुपए की। 1000 रुपए की मोमबत्ती? हमारे घर में बड़ी वाली जलती है ना। बड़ी वाली? हाँ, छोटी तो 5-5 रुपए की मिलती है। 1000 की? निकल। अच्छा ये तो सब तो लेके जा रहे हैं, कितने ले गए तो पहले? 1500 पहले थे, 1000 ये। 2500 हो गए, 2500। याद करना करीम, तुम भी याद करना, नोट करते जाओ लिखते जाओ। हाँ मोमबत्ती कहाँ से लाऊं, सामने से लाऊं कोने से लाऊं? नहीं एक काम करो, मोमबत्ती लाओ शारजा से, इसको 15000 और दे दो। 15000 नहीं है। अच्छा फिर यहीं से ले लो, कहीं से जाओ ले लो। तो शारजा ट्रेन में जाऊं जहाज में जाऊं? अरे चला जा यहाँ से। मत ले, कहाँ से? दुकान से। दुकान कहाँ पर है? ओलंदी टाउन। ये ओलंदी क्या? मोमबत्ती मिलती है। मोमबत्ती कहाँ मिलती है? दुकान से। दुकान कहाँ मिलती है? अबे यार इस तरह तो फिर पता है क्या, मेरे भी मर जाएंगे जो निकलने वाले। अच्छा ठीक है, मिल गए ना? हाँ ओके जाओ। ये 500 और दो। तू 500 तू रक्षे वाले को देने ना। बादल हो गया ना, दबाओ नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। अम्मी गैप करो, उधर हो जाओ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ दे रहा, नहीं दे रहा, वापस आ जाओ। अम्मी वापिस आ जाओ, 500 आराम से देखे, कोई देख लेगा तो वही नहीं है। मैं एक मिनट करे। 500 रुपए क्या हुआ था? 500 निकालो फिर बता। हुआ था? अरे 500 दो तो सही। दो अब पूछो काहे के लिए? काहे के लिए? पुलिस वालों से बात हो गई है, खेलो। क्या हो गया? कोई बात नहीं, देखते। नहीं इसको कितने दिए पहले, ये कितने ले गया था? कुछ याद नहीं है, तुम्हारे चक्कर में कुछ याद नहीं है। मुझे ना शिकायत करना कभी भी, तुम्हारे बच्चे इतने पैसे खर्च करते हैं। तो ही बात नहीं, अब कितने रह गए? तुम मिल रही हो साला, जहाँ मिल गया है। हाँ हाँ लेकिन जो अभी ये बाकी भी तो है ना। 500 नहीं मांग रहे। हाँ हुआ था, उनको कितने लिए? 1500। तो मुझे 2000 दिए। 1000 तो मैं पहले स्कूल के दिए, वो तो छीने। तो वो जो एक तो 1000 पहले लेके, 1000 ये हो गए। ये अब मम्मी के लिए भी कुछ रखो ना बेटा, इतनी टेंशन ले रही है मम्मी। ये नहीं मानेंगे, ये सन ऑफ डॉगीज हैं। ये नहीं मानेंगे, कुत्ते के बेटे हैं ये, इस
इसी तरह हरकतें करते हैं। बीस तो घड़ी में बजते ही नहीं है। अरे वो टेलीफोन का बिल भी तो आया अम्मी, टेलीफोन का बिल जमा कराना। अब तुम ले लो भैया, ये तो खाली हो गया। कुर्ता दे दो, 45 का तो जाएगा। वो कह रहा था अगर, वो कह रहा था अगर लाओ तो पूरा सूट लेकर आना। अरे आपको सुना? अरे हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ कोरमे की 3 देंगे, हाँ शीरमाल की 2 देंगे, हाँ और एक बिरयानी की देख, अल्लाह के नाम पे भिजवा दो। कहाँ फंस गया मैं? तो इन लोग कहाँ चले गए? मिस्टर, ये सोफा एक इंच उस साइड पे कर दो। ये टेबल यहां सही नहीं है, इसे भी साइड पे कर दो। ये सीनरी मुझे कुछ पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं? नहीं मुझे आप पसंद नहीं। कौन है भाई? चल बात कर। ए मिस्टर, क्या तू हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं? हम मुसलसल खानदानी है। हम क्या वक्फे वक्फे से खानदानी? देखो तुम शायद हमें पहचाने नहीं। आसिफ का घर यही है? जी हाँ। घर तो बहुत अच्छा है। तू तोड़वा ले। मैं सवेरा का वालिद मोहतरम हूँ और आसिफ के वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आया हूँ। आसिफ के बाप से मिलने आया हूँ। जाओ जाकर आसिफ के बाप को भेजो। आसिफ के बाप को भेजो? अबे ये तो मुझे ही बनना होगा। आप तशरीफ रखें। जी जल्दी जाओ। हम जानते नहीं, हम गुस्से वाले हैं क्योंकि हम मुसलसल खानदानी हैं। हम लोग क्या पानदानी है यार। ठीक है यहाँ से आसिफ को जल्दी बुलाओ। आसिफ, आसिफ। ओह माय गॉड, मैं कह दिया ना मैं भाई शाम को बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। मेरे पाँव में मौज है, मुझसे डिस्को नहीं होगी भाई। ओके हाय 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 जी। बाय द वे जी, आप कौन? मैं मम्मी। किसकी? काशिफ की। आसिफ की। आसिफ की? जी जी। अच्छा आप आसिफ की मम्मी? जी जी। बाय द वे आपने शादी करने में कोई जल्दी नहीं की? मैं क्या करूं, मैं मेरे पास टाइम इतना था ना, शाम को मुझे फांसी लगने वाली थी, मैंने कहा दोपहर में कर लूं। कुछ बैठ के बात हो जाए। खड़े खड़े मौत आ रही है आपको? दिल कर रहा है कि आपके करीब बैठना चाहता हूँ। अच्छा जी जी, प्लीज सिट डाउन। जी जी। जो आ रहा ठरकी आ रहा, जो आ रहा ठरकी आ रहा, पैसे वो कमा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बोल रही हैं? मैं कुछ अपने आप से बात कर रही हूँ, मेरा जमीर मेरे साथ साथ चल रहा है ना। ठीक है बैठिए ना। मैं खुल गए ना तो आप यहाँ से भागेंगे फिर। क्या मतलब? आप समझ नहीं रहे। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी जी बोलिए। आप कौन? मैं सवेरा का वालिद। सवेरा के वालिद? क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, सवेरा के वालिद। जी मैं सवेरा का वालिद हूँ और मैं आसिफ के वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप सवेरा के वालिद हैं और आसिफ के वालिद से मिलने आए हैं, आसिफ की मम्मी पे जो है ट्राइयां कर रहे हैं। वैसे आप बहुत स्मार्ट है। हाँ बस अल्लाह का करम है, बस खाना खा के भागती नहीं, वरना तो और स्मार्ट हो जाए। मैं थ्रेडिंग नहीं कराती ना। क्यों? ये लोग जींस पहनते नहीं, अगर पहने तो फाड़ के फिर मसाला लगा के चपट जाओ। अबे आशीष मेरी बनियान तो नहीं पहनी तूने? बनियान? एक्सक्यूज मी, जरा 5 मिनट इधर आना प्लीज। आंटी बनियान तो मेरी बनियान तो नहीं पहनी। तेरी बनियान पे चील बनी हुई है ना? हाँ, इस पर एक बतख बनी हुई है। मैं तेरे पहनने की वजह से चील बतख हो गई है क्या? ए मिस्टर। जी जी। आप कौन? आसिफ? नो आसिफ, दिस इज माय एंग्री यंग मैन
जापानी हूँ यार। सस्ते जापानी, सस्ते जापानी, वो जो ठेलों पे बिकती है। जी जी जी। वो मिस्टर जाओ और आसिफ के वालिद मोहतरम को कहो कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए। अच्छा। फटाफट जाओ मेरे अब्बू को बुलाओ। ठीक है, आपके अब्बू को बुलाओ। मैं आसिफ के अब्बू, आसिफ के अब्बू को बुलाओ जल्दी, क्योंकि हम मुसलसल खानदानी हैं। ठीक है। अच्छा अंकल, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी। आप मूंछों को बल ना दीजिएगा, वरना कलाबाजी खा जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? शरारती है, शरारती, बहुत शरारती है। वैसे एक बात बताइए जी, आपने शादी करने में कोई जल्दी नहीं की? इतनी जल्दी कर दी मैंने, फास्ट कर दी, भागते भागते की है मैंने शादी। मैंने टाइम पे शादी की। आप यार आसिफ मेरी पैंट का, अरे देख ले आसिफ की पैंट और आपने पहनी। पूछ रहे हैं ना, आसिफ की मम्मी हो ना, मुझसे पूछ रहे पहनी तो है तूने? वो मैं नहीं, मेरे आज दिल कर रहा दो पहनूं एक साथ। अच्छा इसका आप आसिफ? जी नहीं, मैं काशिफ। अच्छा आप का देखो काशिफ, अंदर जाओ और आसिफ और आसिफ के वालिद मोहतरम को बताओ कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए। आसिफ के अब्बा जी, किसको बनाया? जी किसको बनाया, क्या बताओ? मुझको भी बनाया अल्लाह ने, उसको भी बनाया अल्लाह ने, मुझे हुस्न दिया उसे। वालिद आसिफ के, एक मिनट, आप कौन सी सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, मैं हुक्का पीता। अच्छा मशाल दिखाएंगे मुझे? जी जी क्यों नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इसको क्या कहते हैं? पाइप। अंदर पानी भरना है जल्दी। बदतमीज, इस तरह की बात। पॉपाई द सेलर की मम्मी बहुत प्यारी लग रही है। डब्बा भी तो खाओ, डब्बा भी तो खाता। बूम बूम। देखो मिस्टर, जाके आसिफ के वालिद मोहतरम को बताओ कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए हैं और हम मुसलसल खानदानी है। तो हम क्या मैदानी है क्या? आप मुसलसल खानदानी कह रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा उसके अब्बू को पहले कि वो इस काबिल हैं कि नहीं। अभी भेजता हूँ, तैयार हो गए होंगे। और सुनाए आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। वैसे ये बताइए, ईद के दिन आप फारिग हैं? जी मैं बिल्कुल फारिग हूँ। तो आ जाइएगा ना, हमारे घर के बाहर है ना, बहुत सारी होजड़ियाँ पड़ी हैं, जरा साफ करवा दीजिए। आप ना कीजिएगा, आप ना कीजिएगा। अच्छा अच्छा, इससे क्या, जरा सफाई करवा दीजिए कि यहाँ के लोग सुनते नहीं है। बहुत ही बदतमीज लोग हैं, मां से चार चार घंटे खड़ी रहूँ ना गैलरी में, हराम है जो मेरी तरफ कोई देखे। में रहती थी ना तो पान वाले पान फेंकते थे, फ्रूट वाले पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, मेरे तो ऐश हो जाते थे। फिर मैं पार्टी में चड़ियां सीती, मैं फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में चड़ियां सीती। अच्छा अच्छा, अपने हाथ से कुछ करना चाहती हूँ ना, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पसंद क्या है आपको? मुझे जी हर वो नापसंद चीज जो मुझे पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी ऐसी पसंद के मामले में वो नहीं रही, जो पसंद कर लेती, जो भी मिल जाए। हाँ नो प्रॉब्लम, रास्ते में मिल जाए, गाड़ी में मिल जाए। आसिफ के डैडी? जी जी आसिफ के डैडी अभी आने वाले। अच्छा मैं समझा आ गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मैं बेटी को मिलूंगा, लेकिन पहले मैं आसिफ के वाले तो मोहतरम को मिलूंगा। हाँ बिल्कुल मिलिएगा, आप जरूर मिलिएगा, आप देखे कैसा निकलता है वो अब्बू। वैसे ये आपके हाथ कुछ ज्यादा भारी नहीं है? आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आप बाहर के मुल्क का सफर करेंगे। मैं? जी जी। किसके साथ? मेरे साथ। ये शूज? शूज एक्चुअल वो सैंडल पहन के तो बाथरूम नहीं जा सकते ना, कपच्ची है ये, वो बाथरूम में पहन के जाने वाली। लेकिन ये जेंट्स घड़ी क्यों पहनी हुई आपने? और किसी ने दी? मैंने कहा किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। मेरे पास टाइम कम है, ऐसा कीजिए कि आसिफ के वालिद मोहतरम को, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। क्या मुझे कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं, सवेरा को तो मैं बाहर ही भूल आया। अच्छा सवेरा बेटी? अभी कोई नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा पैसे निकलवाने वाले। अरे सवेरा तो आ रही हूँ। डैडी आप भी अजीब है ना, क्यों गाड़ी में मुझे अकेले छोड़ के आ गए? मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ रहे थे। बदतमीज है, मोहल्ले के लड़के भी पता नहीं, कल तक तो मुझे छेड़ रहे थे, आज तुम्हें छेड़ रहे। वैसे सवेरा मुझे आसिफ की मम्मी बहुत पसंद है। मुझे भी। जी आपके वो हस्बैंड कहाँ है? वो तैयार हो रहे हैं, मेरे मतलब आ रहे हैं। जापानी? क्या बात है जुआन? जुआन नहीं, मेरा मतलब क्या है आंटी जानी? ये पहले कैपरी पे पैदा किया था ना, दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा अच्छा, जापानी? हाँ जी। क्या हुआ उनके डैडी का, आसिफ के? हाँ बिल्कुल तैयार, अगर आप बोलो तो मैं छोड़ू। छोड़ू से क्या आ रहे हैं, बुलाऊं? जी जी अब्बा हुजूर आइए।
मुझसे आज तक नहीं मिले। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो फिर वो घुल मिल जाते हैं, ग्लूकोज है ना वो। एक मिनट, हालात सही नहीं है ना? क्या हालात सही नहीं है? आइए आइए आइए। और आए, आप कैसे हैं अपने हस्बैंड जी? मैं ठीक हूँ। माई बाप? माई बाप मींस माई बाप? माई बाप मतलब माई बाप, माई की मम्मी, माई और पापा बाप। आइए आइए, आप थोड़ा सी जगह छोड़िए। नहीं नहीं, आप आइए, आप तो रोज बैठते हैं। मजा आ गया। खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई आपसे। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। तो इतने दूर क्यों है? मैं तुम्हारी बीवी, यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। वैसे आपके खामद मोहतरम करते क्या? ये लोकसभा में थे, कांग्रेस में थे मेरा घर। ये वो, हाँ, ये धाबे जी पे मुर्गी के अंडे बेचते। हमारी बेगम भी बहुत बोली है। वैसे अगर आपकी हंसी खत्म हो जाए तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस? अब्बा, यही बिजनेस? आप हंस के भूल गए हो। बिजनेस? हाँ। शिप? शिप जहाज? जहाज पानी के। ये कौन सा है? ऊपर नीचे दोनों जहाज। अच्छा 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 अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। जी जी, आसिफ को बुलवा दीजिए। आसिफ बोल रहा है, आसिफ को बुलवा दे, बराबर में बैठा हुआ है। बराबर में मतलब क्या? क्या बराबर में? बराबर में गया वो? बराबर में गया है? अच्छा, बराबर में गया है वो? बराबर में गया है? नहीं, आप बराबर आ जाए। नहीं नहीं, आप आए? नहीं नहीं आएंगे, मैं आपको गुस्सा मारूंगा। ये कौन है आपके डैडी? डैडी है मेरे। आप कौन? क्या मैं सवेरा? सवेरा, ये देखिए अंधेरा। मिस्टर जी, आपका क्या बिजनेस है? बिजनेस? सवेरा ने आपको कुछ नहीं बताया। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी। मैं क्या करते हैं आप? खबरदार, एक मिनट, खबरदार, कोई भी हमारी बहू की तरफ आंख उठा के देखेगा, खुदा की कसम मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी बारी में, बहुत बड़ी गंद करूंगी। पता चला? गंद? नट्स गंद। माय बिजनेस? हाँ, बिजनेस। माय बिजनेस? बिजनेस बता दीजिए। अच्छा, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, शुक्र है, सिवाय इज्जत के। हाँ, बिजनेस? बिजनेस क्या मसला? मैं बाग में चिप्स उगाता हूँ। ये कौन सा बिजनेस है बाग में चिप्स? हमने तो आज तक नहीं देखा। नहीं, बाग में ठेला लगाते हैं चिप्स का ही। पोटैटो? पोटैटो, पोटैटो। आशिफ की मंगनी नहीं होगी इस घर में। क्यों? दो चिचोरों को निकालो। क्या हो गया? बदतमीजी कर रहे हो मेरी बहू के साथ तुम? यहाँ बैठो। ये तुमसे भी बड़े, ये तो आसिफ से भी बड़े। बेटी तुम यहाँ बैठो, अल्लाह ने मौका दिया, बेटी है, बेटी है किसी की। भाई हम ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप पैसे वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा पैसा है इनके पास। अपने मियाँ जी, इतना बड़ा तो रुपया है, ट्रेन की पटरी पे रखा था, ट्रेन गुजर गई थी, इतना बड़ा हो गया। देखें, ये क्या बदतमीजी है? अगर हमने अपनी बेटी इस घर में ब्याहनी है, हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है? सॉरी, मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आसिफ की मम्मी माफी मैं आपसे तलाक ले लूंगी, मैं आपको बता दूँ। नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए। नहीं, किस बात पे? उसके बैठने पे हंसी आई है मुझे। आप वहीं बैठेंगी, आप यहाँ आएंगी, यार रिश्ते की बात। नेवर माइंड। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आसिफ की
एक हम एक मिनट तुम टांगे तो नीचे कर लो, ऐसा लग रहा है निहारी की देख पे बैठे हो यार। अगर ये कुछ बंद करे ना अपने जापानी तो तुम मुझे सिर्फ इतना कहना आंटी अपने ससुर को मियाँ को आके समझाओ। ओके ओके भाई रिश्ते की बात कर, आसिफ की क्वालिटी देखिए रिश्ते की बात बाद में होगी, सबसे पहले मैं आप तीनों से यानी कि आप आसिफ के क्या लगते हैं दोनों दोस्त है। दोस्त हाँ। बहुत करीबी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आसिफ करता क्या क्या क्वालिटीज है ताकि मैंने बेटी का मसला है क्वालिटी आसिफ में माय गॉड क्या क्वालिटी है उसमें कुछ एक बता दीजिए। ओहो आसिफ में क्या क्वालिटी नहीं है सर बताइए। बोतल खुली, बोतल खुलने के बाद 21 का क्या कहना चाह रहे हैं ये मेरे नमाजी बेटे आसिफ के बारे में बेहूदा बात कर रहे हैं। कौन सा नमाजी बेटा? मैं तुमसे तलाक लूंगी, खेल खेलूंगी, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे ऐसे फरिश्ते जैसे बेटे आसिफ के बारे में। कौन सा फरिश्ते की बात करें? कौन सा नमाजी? तुम सही बोल रहे हो, अपने ससुर को समझाते क्यों नहीं? आंटी आप बैठो, आप बैठ जाओ। मैं किसी के मामले में इतनी गंद तो नहीं करती थी। बैठ जाओ। जिसका मतलब है मैं बीवी का लाडला हूँ, मुझे यूँ डांटोगी? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? हमारी शादी की बात करनी है कि खुद लड़ना शुरू कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? बात करे, एक मिनट बात करे। झूठ बोले। क्या है मसले ये और ये क्या है सब क्या है? देखे काशिफ के टाइम में मैंने इतनी गंद नहीं की थी। कौन सा काशिफ के टाइम? ये काशिफ है ना आंटी, मैं इतनी गंद नहीं की जितनी गंद ये कर रहे मेरे शोहर। सबर कीजिए आंटी आप, सॉरी माफ कीजिए। जानू जरा चुप जानू आप गलत कह रहे हैं आसिफ, जानू गलत कह रहे हैं आप। क्या बोले ने? जूता उतर नहीं सकता। तमीज से बात कीजिए। क्या तमीज से बात कर? क्या तमीज? आ जा आ जा, ये देख रही हूं इसे बात कर। आ जा आ जा, आप से बात करें। आप बैठिए, अच्छा खासा डिफेंस का माहौल था। आपने कौन सा माहौल बनाया? मैंने बनाया। तुमने बनाया? तुमने बैठ जाओ। मेरा दिमाग मेरा प्रेशर हाई हो रहा है। बैठिए अंकल, बैठिए। हाई हो रहा है। आप मुझे कुछ शरीफ आदमी लगते हैं। जी जी जी, आप बताइए आसिफ के ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? आराम से भाई, एक मिनट अंकल, पुराने खो के आराम से मैं बताता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ। अरे नहीं, क्या बात है आसिफ की? क्या बात है? शराब? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात? क्या क्या है? नहीं वही तो बता रहा हूँ। क्या बात? वही एक बात बता रहा हूँ। एक बात आसिफ बेटा जरा बताओ ना आसिफ की बात। झूठ बोल रहे हैं, नहीं था शराबी वो। अच्छा हाँ, शराब कहाँ पीता था? हाँ अब जुआ खेलते खेलते पी ले तो क्या कर सकते? जुआ खेल? अब ये क्या है कि जुआ खेलते खेलते? कल ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैं अगर आपको आसिफ की क्वालिटी बताऊँ ना, मैं कहता हूँ कि आप उसकी क्वालिटी सुनने के पागल हो जाओ। सद के जाओ बेटे, तेरे सद के जाओ, तेरे वारी जाओ। कसम से ये आसिफ का जो है ना जिगरी दोस्त है। अच्छा हाँ, मुझे अपनी माँ की तरह समझता आसिफ के बारे में। सच्ची मैं बताऊंगा आंटी, मैं बताऊंगा आसिफ के बारे में। बड़ी मेहरबानी। क्या बताइए? मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वालिटी है आसिफ में। मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे। नहीं, तुम बताओ। मैं पागल नहीं होऊंगा आसिफ, मैं बोल रहा हूँ तुम पागल हो जाओगे यार। अरे नहीं बताओ, अब बताओ उसमें क्या क्वालिटी है? आसिफ जब घर में आता है ना, बाबा मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे यार। पागल? आप बताओ वो क्या है? क्या आसिफ मोहल्ले में इतना मशहूर है? बाबा मैं बोल रहा हूँ पागल हो जाओगे। अरे नहीं होगा पागल यार, मैं बोल रहा था ना पागल हो जाओगे। नहीं होगा। नहीं मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा शरीफ आदमी है। वेरी गुड। हाँ मोहल्ले में काफी इज्जत है उसकी। माशा आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे ना? हाँ। इंशाल्लाह हम चारों खुश रहेंगे। आगे चारों खुश। नहीं मेरा पता भी है, आप जानते नहीं है आसिफ की जेब में पैसा, नोटी नोट। वेरी नोट नहीं होता? अरे आसिफ की जेब में नोटी नोट, हर फंक्शन में लूटता है। लूटता है क्या मतलब? आप शादी की बात कर रहे हैं, सारे मेरे बेटे आसिफ के बारे में कर रहे हैं, लेकिन आप शक मुझ पे मत कीजिएगा कि इसकी मम्मी ऐसी है। मम्मी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कैसे ठीक है? वो कहते हैं कि शराब पीते हैं, वो कहते हैं जुआ खेलते हैं, वो कहते हैं हम चारों साथ होंगे। मैं अपनी बच्ची की शादी इस घर में कैसे करूं? कैसे नहीं करेंगे तुम? तुम्हारे वालिद के साथ क्या हो रहा है इस घर में? मैंने आप इस लोकल ट्रेन का बुरा ना माने, आप हाँ कर दे। आप शादी से इनकार करके दो दिलों को तोड़ रहे हैं। आप अपनी बच्ची से पूछिए कि वो आसिफ से प्यार करती है नहीं। अगर वो इनकार कर दे तो आप शादी ना कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। भैया मैं पूछूंगा, एक मिनट तुम आसिफ से बात करती हाँ करती है, लेकिन तेरे लिए हाँ नहीं करेगी। वो यहाँ
आप इस घर में नहीं करना चाहते ना? मैं इस घर में आसिफ के साथ अपनी बेटी की शादी हर किसी नहीं करूंगा। हम किराए पे ले लेंगे, हम किराए पे दूसरा घर ले लेंगे। हाँ सुनो, अगर तुमने आसिफ की शादी नहीं की तो मेरी लाश के ऊपर से जाओगे। क्या बात है? इधर आओ बेटी, इधर आओ। डैडी, अरे अंकल मेरी बात तो सुने। शर्म नहीं है मुझे किसी काम में। ठीक है, लगा शुक्र है मैं गाड़ियां भी धो लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। मेहनत मजदूरी कर लेते हो? मेहनत मजदूरी में काहे की शर्म है अंकल? तो फिर एक बात मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। आप भी कहीं दिहाड़ी लगाते हो? मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। आप पैसे वाले? ये क्या? ये वो बोलिया ना इंडिया के ड्रामे में। एक मिनट, ऐसे भी होता है? देखो मैं कोई पैसे अगर वाले तुम पैसे वाले नहीं हो तो मैं भी बाप नहीं हूँ। देखा, गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू की भीड़। लेकिन मैं फिर भी इसका बाप हूँ। और आसिफ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई करोड़पति पैसे वाला नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं सदर में जूस बेचता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सीधे पकौड़े वाले से ये सूट लेके आया हूँ। मैंने ये भेस इसलिए बदला कि मेरी बेटी, क्योंकि बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं, लेकिन आजकल की महंगाई और जहेज की लानत ने उन्हें जहमत बना दिया। चीनी वो बिक्री 80 रुपए किलो हो गई है, तो बहुत ही महंगा। मैं ये चाहता था कि मैं अच्छे लिबास में जाऊंगा, मेरी बेटी को आप पसंद कर लेंगे और मेरी बेटी इज्जत की दो वक्त की रोटी खाएगी। आप फिक्र ना करें, ये इज्जत की रोटी खाएगी, बल्कि इज्जत की हमें भी खिलाएगी रोटी। देगी हमें रोटी के खाओ। आप शादी के लिए राजी हो गए? राजी हो गए बेटा, मुझे आसिफ पसंद है। पसंद है तो फिर छोड़ो, फिर एक काम करते हैं अंकल, आप राजी हो गए, रिश्ता तेरा भी हो गया। मुबारक हो गया। तुम लोगों के लिए मेरे खाने का इंतजाम किया हुआ, अंदर आ जाओ। वेरी गुड यार, ये बड़े टाइम पे खाना क्या है? क्या वो ये पुरानी कल की दाल भाजी वो खा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जूस वाले? जी मैं जूस। ये कोट मेरे को खपे यार। आ जाओ ना, चले आइए 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 आइए। Thank you.
चलता होगा। देखो चुकू तुम्हें देख के बात करे और हर बात में हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हें देख के पीला पड़ रहा हो, वो खुश हो रहा हो, खामा खा हाथ में माचिस लियो, वो तुम पे मरता होगा। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ। शोले, मुझे शोले बहुत पसंद है। लानत भेजो शोले पे। क्यों? वो कोई फिल्म है, आज ही देख के मैंने मन कर दी। क्यों भाई, मैंने तो 5 बार देखी है। 5 बार क्यों देखी? वो फिल्म तो मैं मानता ही नहीं। क्यों भाई? उसमें वीरू 8 मंजिला टंकी के ऊपर चढ़ के खुदकशी करना चाहता है। उस गाँव के अंदर ना बिजली है ना गैस है, पानी उसका बाप चढ़ाता है उसमें। अरे भाई, पुराने वक्त की मूवी है ना। पुराना वक्त। घड़ी कौन सी है? ओरिजिनल है। मुझे भी घड़ी अच्छी लगती है। अच्छा आपके पास घड़ी है? नहीं, हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल घड़ी है। अच्छा। देखिए घड़ी जो है ना, वो मुझे एक ही घड़ी अच्छी लगती है। कौन सी? मुश्किल घड़ी। अच्छा मुश्किल, ये कौन सी जगह पे बनती है? ये कठिन घड़ी। हाँ। बहुत बुरी घड़ी। अच्छा। ये इस्लामाबाद में बनती है। अच्छा। जापानी? कहाँ? जापानी नहीं है जी, ये तो मलेशिया का है। नहीं मुझे जापानी चाहिए। जापानी चाहिए? हाँ। हैरानगी की बात है। अरे जापानी आओ ना। कौन है? आओ। क्या हो गया? कितनी देर से बुला रही है? अबे तुझे घर में, अपने घर में बुलाया, तू हमारे घर से शुरू हो गया? नहीं मुझे बाहर से मिली है। ये मेरी कहती है, खो गई थी क्या? खड़े हो जा, तेरी भाभी है। अच्छा। सबर कर जा, एकदम चल पड़ता है। सबर कर जा, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? अभी ये कैसा नाम रख लिया तूने? जापानी? अबे तो मैंने रखा, मेरे अब्बा ने रखा। अबे तेरे अब्बा के टाइम जब तू हो रहा था ना, उस टाइम मैं उनके पास था। अच्छा। जैसे ही उन्होंने तेरे को देखा ना, उनको दिल का हो गया अटैक। हाँ। उन्होंने नर्स को कहा ए जा पानी, और बेहोश हो गए। लोग समझे तेरा नाम जापानी। छोड़ दे, पता है क्या तुझे मैंने बुलाया किस लिए? ये तुझे पता है? तुझे मेरा बाप बनना है। टाइम लगेगा। क्यों? मतलब ये कितने जल्दी कैसे? अरे यार मेरा बाप ने ये लड़की आई थी ना। हाँ। उससे मैं कर रहा हूँ शादी, और इसका बाप मेरे बाप से मिलना चाहता है। मेरी शूटिंग है, तेरे को पता है फंसी हुई है। तो इसीलिए तो मैं तुझे बुलाया है, कोई मसला नहीं है यार। 2 दिन की शूटिंग कैंसिल कर दे मेरी जानी। मेरी कमजोरी बता दी हो देख। तू फिक्र नहीं कर, मैंने सब सब दोस्तों को बता दिया। ठीक है, तो इसके सामने कोई एक्शन नहीं बोलेगा। मेरी शादी हो जा रही है, उससे तुम लोग इतनी गंद कर रहे थे यार। मैं लेडीज बना दो तुम लोगों ने यार। अबे तो यार तुम हमारे टाइम पे नहीं कर रहे थे क्या? तू हम कहां से जा रहे है? क्या करते तुम? तूने ये क्यों पहना? यहाँ पे किसी का 40वां हो रहा है क्या? नहीं यार, मैं अभी व्हाट्सएप देख के आया हूँ, मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ। सलमान खान? हाँ सलमान खान। बहुत अच्छा, बात सुन लो यार प्लीज यार। पता क्या, आज रोजी के बाहर है। रोजी का बाहर मेरे रिश्ता लेने के। खुदा की कसम कोई गंद नहीं करना। कोई गंद नहीं? नहीं क्या बात कर रहा है, गंद इससे पहले हमने की? रोजी के अब्बा के कचरे की गाड़ी लेके आ रहे हैं, जो गंद नहीं करना। नहीं यार उसके सामने कुछ चिरान नहीं करना भाई, बड़ी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तू बेफिक्र हो जा। तेरी शादी है ना, तू ना हमारी बारी में की नहीं है, हम पागल थोड़ी तेरी बारी में करेंगे। रोजी कहाँ है? रोजी तो आ रही है, वो बुलाओ पहले। मेरे अब्बा का क्या हुआ? अबे कहाँ है? अंदर है ना राजा। लेकिन एक बात सुन लो यार, राजा की एक प्रॉब्लम है। क्या? वो है फिल्मों का आर्टिस्ट, पंजाबी फिल्मों में काम करता है। उसके सामने कोई एक्शन नहीं बोलना। यार एक्शन बोल देना वो शुरू हो जाता है, वो समझता है कैमरे चालू हो गए, एक्टिंग करना शुरू कर देता है यार। एक्शन बोलो तो वो लड़ना शुरू कर देता। हाँ मारना शुरू कर देता। रोक देता, कट करो, कट करो तो रुक जाता है। एक बार चेक करने दे मुझे। क्या कर रहा है? एक मिनट। अच्छा एक्शन। कट 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 कट, एक ही न ले भाई, क्या 15-20 खोले? कट कट कर रहा है, टंकी ना गिर जाओ। बस समझ गया, इसके सामने नहीं बोलना। ठीक है ना? ओके। रोजी के अब्बा आने वाले, उसके बाद आते हैं। दे 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 दे। Thank you.
ऐसी होते ना, दो बदके नहीं होती। इज्जत करो यार, अब बैठी बैठी बैठी। ए मेरी फटाकड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इनके वालिद हैं? सॉरी मेरा दोस्त आपको पहचान नहीं था, इसलिए इन्हें बदतमीजी करना। ये रोजी है? रोजी किसी की रोजी के पीछे ऐसे नहीं पड़ते, फिर अल्लाह ताला अपनी रोजी काट देता है। और कैसी है रोजी तेरा? आगे आगे मैं कोई गंद नहीं कर रहा, मैं तो रोजी को आगे ला रहा हूँ। इतनी अच्छी रोजी अल्लाह सबको दे रोजी। अब ठीक है ना बच्चा? तू भी बुरा मान, इधर आया, इधर आ, इधर आ। तू खबर खाई बुरा मान रहा है? उसने क्या किया? उसने क्या ऐसे हाथ पकड़ा है? उसने ऐसे किया? उसने क्या ऐसे किया? तू क्या कर रही है? मैं अपने ऐसे बता रहा हूँ कि अबे बहुत शर्म की बात है दोस्त वो तेरा। मैंने यूं तो नहीं किया, यूं तो नहीं किया था जिस तरह तू बता रहा है। पागल हो गया यार, बेचारी बच्ची हमारे घर में आएगी एक दिन, अल्लाह इसका ख्याल करे। बस मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरी बच्ची है क्या? है मेरी बच्ची है क्या? गरीब का लंगर है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये हमको समझा रहे हैं। अपने बाप को बुला है? मेरे को रिश्ते की बात करनी है। हाँ रिश्ते की बात करनी है। डैडी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये तो बशर की है। मैं जा रही हूँ। डैडी आप पूरी बात कर लीजिए। मैं छोड़ के आता हूँ। आप बैठे ना अगर एक मिनट बात सुने। आपने ऊपर के बटन नहीं लगाए, यहाँ के हाथ नहीं पोंछते आप? शराबत हम में कोई नहीं है जिससे बात करें। आप बैठे। चलो मैं समझा दूँ। अंकल आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। यहाँ नहीं करना है। ऊपर बैठे, ऊपर बैठे। देखे अंकल अब आप वापस जाएंगे ना, ये टोपी मेरे को खपे यार। क्या खपे यार, हटो यार, बैठा उधर यार। अपने बाप को बुला ना। हाँ आप बैठो तो सही। बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं यार तुमको। मतलब इसको छोड़, दबा कर अपने बाप को बुला। मैं अपने बाप बुलाता हूँ। अब्बा जान आ बेटे आ जाइए। अब्बा हुजूर आइए। दोस्त है मेरे, बताया ना तुम्हें दोस्त मेरे। अच्छा अच्छा आइए पे आइए किए पे आइए। अब्बा ये क्या बात है भाई, कौन है ये? वो बता था तुम्हारे को लड़की का, तू क्या भी थप्पड़ गया इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था बैठे हुए दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, एक एक्शन हो जाए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इन आदमी तेरे को मेरे को साथ ही नहीं करनी पड़ी, मेरी बेइज्जती करता है। एक मिनट बिठाया ना उन्हें, अब बैठे ना। अब हो अब नहीं बोलियो, अब नहीं बोलियो। तुम लोगों को तुम्हारी माँ की कसम है खुदा के लिए। अच्छा वैसे नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं हो रही, इसको मना किया कि नहीं बोलना, फिर भी जान के एक्शन। खुदा की कसम नहीं करो यार। यार मैं बता रहा हूँ, इतनी प्यारी फिल्म देखी मैंने रैम्बो की, क्या गाने उसमें और क्या एक्शन है। और कट्टे बोल अचानक बोल, तू तो बना के बोल रहा है, वो तो मार देगा जान से उसको। एक मिनट यार, खुदा को मारो यार। क्या हुआ भाई आपको, क्या हुआ? एक मिनट ये सोच रहे, मैं क्या रिश्ता कर रहा हूँ, मार खाने आया हूँ? ले आप बैठे, ऊपर बैठे, ऊपर बैठे अंकल, आप ऊपर बैठे यार। बैठे अंकल, कोई बात नहीं है, समझाना, ये घड़ी घड़ी मारता काहे को? प्लीज शादी की बात कर लो। हाँ सीन में तो जान आ रही है। अंकल अंकल आप सीधे वैसे ही बैठे, पहले जिस एक्शन में बैठे थे ना वैसे। खुदा को मारो यार, खुदा को मारो यार, कसम खुदा की तुम देख रहे लगेगा तुम्हारी बारात के चावल खराब हो जाएंगे। नहीं यार उल्टा उल्टा, तू नाराज क्यों होता है यार, छोड़ना सारी बात। खुदा मैं पम्मी में उड़ा लूंगा कसम खुदा। नहीं नहीं नहीं, अबे आज का मैच देखा? अबे वो अंपायर ने गिली बॉल बाहर फाड़ के गया, बाहर में गया, कोई मैच नहीं देखा मैंने। अंकल 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 आप बगैर चावल की बिरयानी ले आओ आपकी। चावल की बिरयानी कौन सी होती है यार? क्या
क्या समझा भाई, रिश्ते की बात करो यार। हाँ, रिश्ते की बात कर लो। और क्या, अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, रिश्ते की बात करें यार आप। बिल्कुल हाँ, तो भाई अंकल बात करें, इतने खुश करो ना, बात करो ना, बात करे ना। तेरा कोई कारोबार है? अरे बात करो ना, बात करो ना। हाँ तो कोई काम धंधा है? अरे बात करो ना यार, बात करो ना। अरे बताओ ना, तुम्हारे पास पैसा पैसा है? अरे बात करो, सारी बातें तो होती रहेंगी, आप बात करो ना। हाँ तो बोलिए। मैं भी क्या खत लिख रहा हूँ क्या? वो और रिश्ते की बात करो ना आप, ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बात तो। हाँ तो बात करो ना, रिश्ते की बात करो क्या? एक मिनट एक मिनट, एक फोन फोन आया। हाँ भाई, घर में मीटिंग चल रही है, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे वही एक्शन है ना फिर। कसम खुदा की, ऐसे तो कोई चीनी की बोरी नहीं फेंकता। कसम खुदा की, मेरा सुसर टूट गया ना, तुम्हारे बाप से दूसरा लूंगा यार। ये तमीज होनी चाहिए। आराम से, आराम से। क्या हो गया? अरे तमीज से, अरे अंकल आराम से पकड़ो उसको यार, पकड़ो यार आराम से अंकल, ताकि सब इसकी राडे टेढ़ी हो जाएंगी। आराम से आप सुन, मेरी परफॉर्म सही है? तेरी तो सही है, खुदा के लिए शादी की बात शुरू कर। शादी की बात करो यार, वो देखो उन नया बाप बना रहा हूँ। अरे यार खुदा के लिए, तुम लोग उधर बैठ जाओ यार, जाओ उधर बैठ जाओ, छोड़ो यार, यकत उधर बैठ जाओ यार, जाओ यार सही दफा हो। मेरे से रिश्ते की बात कर लो यार। सही कह रहे, देखे भाई मेरे को बताओ, तेरे पास पैसा मैसा है? पैसे की क्या कमी, वो तो आपके एक्शन से लगी थी। अंकल आप खुद फंसे हो, आप खुद फंसे हो। मतलब तुमने खुद बोला है? मैंने क्या बोला है? एक सेट क्यों बोला? कट्टे कट्टे कट्टे। आप उठिए, मैं आपको समझाता हूँ, खड़े खड़े हो जाओ। एक्शन नहीं बोलो, फिल्मों में काम करता है, जब तक कट नहीं बोलोगे ये रुकेगा नहीं। मैं पहले बताता ना कि एक्शन नहीं बोलते। वाह वाह, पिस्तौल से निशाना मारा, ने पानी नीचे मटका ऊपर।
बताइए किस्सा। लो भाई क्या दे रहे हो, अगर कोई चीज कम पड़ती फिर मैं नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे तेरे वालिद के वालिद का बता रही हूँ। अच्छा बता दो। निशाने में बात आई, वो भी ऐसे निशानेबाज थे। और इसके अब्बा? हाँ, इनके दादा। अच्छा दादा। हाँ। उन्होंने एक दिन निशाना लगाया, मटका रखना भूल गए, गोली चल गई, गोली से पहले भागे, मटका रखा, मटके में गोली लगी, पानी ऊपर मटका नीचे। ये होगी बात। हाँ 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 हाँ। क्या बात? क्या सुना है आपने? मेरा छोकरा मेरे को पसंद है। लो भाई मुबारक हो फिर। लड़की का रिश्ता पक्का। शादी वाले दिन मैं तो चाह रही हूँ कि एक फंक्शन भी रखा जाए। ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? नहीं लड़कियों का फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। नहीं देखो फंक्शन में लड़कियाँ आएंगी ना, तो फिर वो अजीब अजीब ऐसे करेंगी। ये क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बोला नहीं है मैंने। बट ठीक है, आप बोल दो फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, रिश्ता पक्का होगा। चलो नहीं होगा। लो भाई मुबारक हो। मुबारक। अरे यार अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों क्या चलना? शाम को अफ्तारी है ना, हमने पतोड़े चलना। अबे नहीं यार, अबे तुम्हें पता ही, अबे किलकित का मैच देखो, किलकित का मैच। क्या हो गया? अबे मेरे भाई शाहिद आफरीदी क्या चौथे छक्के मार रहा और क्या हैस्टल है यार। ठीक हो तुम? क्या हुआ है? क्या कुछ बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ शॉर्टकट हुआ। कुछ बात पता नहीं, कोई यहाँ से तबाह होके गया। अभी रिश्ता पक्का हो गया ना? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ इनको अंदर ले चलो, अंदर खाने पीने का इंतजाम मैंने किया हुआ, मैं इसी काम के लिए नहीं गया हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ अंकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या बना के बैठे हुए? कुछ नहीं, आ जाओ ना, कुछ ना करो, आ जाओ, आइए आइए कौन जमशेद भाई? अरे आपका नाम जमशेद नहीं है? शमक शमशेद। शमशेद कौन? शमक शमशेद साहब, आज कितना खुशी का दिन है कि मेरी बिटिया रानी की शादी है। हमारी भी बेटी की शादी हुई है। ए भाई, वो तुम्हारी बेटी हमारी बेटी एक ही हुई ना? ए भाई, ए पागलो ने खुशी के मौके पे लड़ते नहीं है। खुशी नहीं, खुशी है ना, वही तुम्हारी वाली यार। भाई बच्ची है, कहाँ है? हाँ, बेटा अच्छा नाम सवेरा बेटा, मेरा बच्चा आज ये मेरी बेटी है। मुझे मालूम है। ये वाली मेरी है। अब कहाँ रही तुम्हारी? शादी हो गई तो भाई पराई हो गई। ये मेरा कुल सरमाया, मेरी जायदाद, मेरी जान, मेरा खून, लत्ते जिगर, नूरे नजर, चश्मे बदूर। बस बस, छोकरे का है छोकरे। भाई वो भी कमरे में होंगे, मैं देखता हूँ बच्चों को। भाई बेटो आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ। लो भाई खुशी है, जरा खुशी। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई सबकी शादी हो गई, ये चंदा मेरी पेटी में डाल दो। चंदा तेरी पेटी में डालने? हाँ। शाबाश, हम पेटी ना लूट के भाग जा। अच्छा मुबारक हो। अबे अबे मुंह तो दिखा। अबे ये भी मुंह को दिखाने वाला है क्या? देखो दूल्हा होता कैसा, ये देखो कसम खुदा की ये दूल्हे का है ना बर्फ में रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा। मैं बता दूंगा दूल्हों को बिठा दो। भाई भाई बैठो बैठो बैठो, एक मिनट एक मिनट, आ बैठो जानू। अरे भाई ये जब ये अपनी बीवियों के साथ बैठ सकता, हमारे भी पियर बनाओ, अपने अपने पियर को लेकर। अभी अभी नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ, वहाँ बैठो। हो गया है, हो गया है जाहिल। अरे तू बाहर गया हुआ था, हमने निकाह करा दिया सबका। आपको कहा था ना कि जिम से ना पीना शुरू करें आप, हर का नहीं पता आपको। अरे यार, अरे क्या लूट पड़ गई क्या?
मैं इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ, दूल्हे की फुर्तियां दिखा रही है हमको। अरे गौर से देखो, मेरे दामाद के चेहरे पे नूर आ रहा है। नूर की बात नहीं करो अब्बा, वरना सही है नूर आ जाएगा। तूने क्या ये ऊपर रखा हुआ है कि ऊपर से क्या बारिश हो रही है क्या भाई? हाँ? मेरे को चंदा खपे। अरे इधर भी नूर आया है। तो फिर तो मैं बेकार चेहरे बांध के आया जब नूर आया। चेहरे पे नूर आया। अच्छा चेहरे पे आया। अच्छा जी मुबारक हो, सबकी शादी हो गई। मुबारक अंकल, मुबारक। क्या हुआ? मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। अब ये नहीं पूछना क्या तल ले हो, अब कोई नहीं तल लिया, सब बेड़े में। भाई समझ नहीं आ रही तुमने ये तमीज क्यों पीछे बांधी हुई है? अरे भाई मैं जब भी यहाँ तमीज पहनते आता हूँ, मेरी तमीज तो उतार देता है यार, तो तमीज पहन ले तो फायदा। तमीज से बाहर निकलते बेचारे, हर आदमी यही कहते हैं यार इस घर में तू जाता है तमीज से बाहर निकलता है बगैर तमीज से, तो या तो घर वालों के साथ बुरा हो रही है या तेरे साथ बुरा हो रही है। चाचा भाई एक बात सुनो भाई, इतनी देर से आया हुआ हूँ काशी, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो किसी और की अम्मी बनने गई है। एक बात सुन लो, सूखी सूखी शादी में मुझे नहीं मजा आ रहा। जश्न होना चाहिए यहाँ पे, ये बता दूं मैं। जश्न होगा, बोला था ना मैं, जश्न होगा यहाँ पे। संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगाक मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की।